वेलकम टू गेटिंग एडमिस थ्री क्रैश कोर्स। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं हीट ट्रांसफर। सो प्रीवियसली हम लोगों ने अनस्टडी स्टेट हीट कंडक्शन और फिन्स के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो किए हुए हैं। प्रीवियस लेक्चर आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, और उस लेक्चर के साथ जो हमारा कंडक्शन वाला पोर्शन है हीट ट्रांसफर का वो पूरा समाप्त होता है। तो कंडक्शन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में यानी कि कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर में इंटर कर रहे हैं। तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हम लोग एक एज अ सेकंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर देखते हैं। हम लोगों ने जो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कवर किया है वहां पर मैंने आपको तीनों मोड्स के बारे में ब्रीफ में बताया हुआ है कि क्या क्या मोड्स होते हैं, उनके गवर्निंग लॉ वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अब यहाँ पर एक बार मैकेनिज्म की बात करते हैं कि कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कैसे होता है। तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर बेसिकली तब देखने को मिलता है जब आपके पास दो डिफरेंट मीडियम्स के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा हो, और मोस्ट प्रोमिनेंटली वी डिस्कस अबाउट अ सॉलिड सर्फेस एंड अ फ्लूइड। तो मोस्टली हम लोग जो डील करते हैं ठीक है वो होता है, उसमें इन्वॉल्व होता है हमारे पास एक सॉलिड सर्फेस, इस तरह से एक सॉलिड सर्फेस होगा एंड ओवर दिस सॉलिड सर्फेस देयर विल बी फ्लो ऑफ फ्लूइड। ओके, देयर विल बी फ्लो ऑफ फ्लूइड, तो कुछ फ्लूइड होगा वो इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, इस तरह से ये सबसे ज्यादा हम लोग डील करते हैं। तो सॉलिड और फ्लूइड का यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है। नाउ ये जो फ्लूइड है ये सॉलिड के सतह के ऊपर भी फ्लो कर सकता है, यानी कि यहाँ पर बेसिकली बात करो सॉलिड और फ्लूइड, तो सॉलिड से फ्लूइड में हीट ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है, और ये जो फ्लो है यहाँ पर वो इस तरह से एक्सटर्नल वे में भी हो सकता है, जैसे कि एक प्लेट दिखाई दे रही होगी आपको, प्लेट के ऊपर में ये जो भी फ्लूड है, हो सकता है वाटर हो, ये फ्लो हो रहा है, तो ये इस तरह के फ्लो को हम लोग फ्लूड में पढ़ते हैं, एक्सटर्नल फ्लोस बोलते हैं। और हो सकता है कि किसी कॉन्ड्यूट यानी कि पाइप या डक्ट जैसी चीज के अंदर इस तरह से, है ना, इस तरह से किसी कॉन्ड्यूट स्पेस में इस तरह से फ्लूड जो है इनसाइड द डक्ट और अ पाइप ऐसा फ्लो हो रहा हो लाइक दिस। ये जैसे कि कोई डक्ट है मान लीजिए या पाइप है मान लीजिए, तो इस तरह से इसके अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, व्हाटएवर एनी फ्लूइड। ओके, तो यहां पर सॉलिड और फ्लूइड के बीच में जो हीट ट्रांसफर होगा वो हम लोग मोस्ट प्रोमिनेंटली डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक सॉलिड होगा, उसके एडजेसेंट कोई लिक्विड होगा या कोई गैस होगा, ये सबसे कॉमनली डील करने जाने वाला यहाँ पर प्रॉब्लम है हमारे हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट। ओके, सो किसी भी कंडीशन में जब दो डिफरेंट मीडियम्स के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा होगा तो यहां पर हम लोग कहते हैं कि कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होता है। नाउ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के दौरान जो फ्लूइड होता है वो जनरली मोशन में होता है, जबकि हम लोग कंडक्शन में जब पढ़ते हैं तो कंडक्शन में जो मीडियम होता है आपका वो रेस्ट पे होता है, जबकि यहाँ जो मीडियम है फ्लूइड जो है वो यहाँ पर मोशन में है। तो इसके कारण बहुत सी सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो जो कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर जो होता है, ओके, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर की बात करते हैं तो कैसे होता है कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन जो हो रहा है कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के दौरान जो फ्लूइड है वो मोशन में है। ठीक है, फ्लूइड जो है वो मोशन में है और उस दौरान उसको हीट दी जा रही है या तो उससे हीट ली जा रही है, दोनों सिचुएशन पॉसिबल है, करेक्ट। तो यहां पर जब फ्लूइड को आप हीट देते हो तो दो चीजें होती है, पहला जो हीट है वो उसके पार्टिकल्स को एक्साइट करती है, उसकी एनर्जी इंक्रीज करती है, उसकी जो इंक्रीज एनर्जी के कारण वो आपस में कोलाइड करते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर होता है, विच इज द फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन। ठीक है, तो जब हम लोग हीट देंगे तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर होगा जिसके कारण हम लोगों को कंडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्योंकि फ्लूइड जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है, तो अगर किसी सर्टेन लोकेशन में आप एनर्जी देते हो या कोई सर्टेन सोर्स ऑफ एनर्जी के पास, है ना, कोई फ्लूइड इकट्ठा है, जैसे कि सपोज आपके पास ऐसा मान लीजिए कि इस तरह से कोई प्लेट है या कोई सरफेस है, मान लीजिए ये सरफेस जो है यह हीट इसको प्रोवाइड कर रहा है, ये हॉट सरफेस है और इसके ऊपर जो भी फ्लूइड है उसको ये हीट प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर जो ये जो एडजेसेंट लेयर है इस सरफेस की, यहाँ पर का जो फ्लूइड है वो पहले गर्म हो जाएगा, देन ये मूव करेगा, ठीक है, अपने सराउंडिंग में मूव करेगा, ये इस तरह से डेंसिटी डिफरेंस के कारण मूव करने लग जाएगा। सो ये जो फ्लूइड है ये मूव किया और यहां से एक सर्टेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि बल्क में जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह मूव कर दिए। ठीक है, और यहां से जो इसकी इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई, एक सर्टेन आप बोल सकते हैं एनर्जी जो स्टोर, एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस विद एनर्जी स्टोर हुई, वो फिर इस मोशन के कारण, ड्यू टू दिस मोशन ऑफ द फ्लूइड, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गई। सो दिस इज नोन एज एडवेक्शन, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू द बल्क मोशन। जब नंबर ऑफ एनर्जाइज पार्टिकल एक जगह से दूसरे का मूव करेंगे तो उसको कहेंगे बल्क मोशन। ठीक है, तो हमारा जो बल्क मोशन के कारण यहां पर आपको एनर्जी का ट्रांसफर दिख रहा है, दैट इज नोन एज एडवेक्शन। ओके,
दैट इज नोन एज एडवेक्शन. तो कंडक्शन भी हो रहा होता है कन्वेक्शन के दौरान ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है, और उसके साथ बल्क मोशन भी हो रहा है, तो उस बल्क मोशन कारण जो एनर्जी ट्रांसफर है उसको बोलते हैं एडवेक्शन. ओके, एडवेक्शन दैट इज एनर्जी ट्रांसफर, दैट इज एनर्जी एनर्जी ओके ट्रांसफर ट्रांसफर ड्यू टू बल्क मोशन. Due to bulk motion. Bulk motion का मतलब समझ गए होंगे, I think. यानी कि number of particles, बहुत सारे particles इकट्ठे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बल्क मोशन. ओके, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू बल्क मोशन ऑफ ए फ्लूइड अब यहां पर मुद्दा यह है कि ये जो बल्क मोशन है ये दो तरह से हो सकता है. जैसे कि मैंने अभी जो आपको थोड़ी देर पहले कुछ क्षणों पहले जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था ऐसा सॉलिड सर्फेस का, तो ये हॉट सर्फेस के पास जो इसकी इस सर्टेन लोकेशन पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अगर ये सरफेस गर्म है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो इसकी सरफेस के पास वाला जो फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे वो पहले गर्म हो जाएंगे, और ऑब्वियस सी बात है जब टेम्परेचर चेंज होता है तो डेंसिटी भी चेंज होती है, तो डेंसिटी डिफरेंसेस क्रिएट होंगे एंड हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी जो फ्लूइड है वो फ्लो होगा बाय डिफॉल्ट, आप चाहे कुछ करो चाहे मत करो, ये नेचुरली ऑकरिंग फिनोमेना है. अगर डेंसिटी डिफरेंस होगा तो हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी सब्सटेंस जो है वो फ्लो होगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जैसा भी ये हुआ अपने आप, मतलब डेंसिटी डिफरेंस के कारण हुआ, और कुछ केसेस में हम जबरदस्ती कुछ एफर्ट पुट करके इस फ्लूड को इस सर्फेस पर फ्लो करा रहे होंगे. जैसे आपके कमरे में जो फैन चल रहा है वो फैन जो है वो आपके ऊपर एयर ब्लो कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो वहां पर जो हवा है वो खुद ब खुद नहीं बढ़ रही है, वहां पर आपने कुछ एफर्ट किया है, फैन ऑन किया है, फैन जो है वर्क कर रहा है, और वहां से फिर आप लोग को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे जो एयर है वो मिल रही है आपके ऊपर, पक्की बात है. तो यहां से कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जहां पर ये जो बल्क मोशन है ये आप फोर्सफुली करा रहे होंगे, तो यहीं से दो कैटेगरी बन जाती है आपकी कन्वेक्शन की, दो फंडामेंटल कैटेगरी बन जाती है, ठीक है, दो फंडामेंटल कैटेगरी बन जाती है. क्या? पहला आपके पास के बल्क मोशन अगर आप लोग देख पा रहे हो फ्लूड में उसकी डेंसिटी डिफरेंस के कारण, तो इस वाले कन्वेक्शन को कहूंगा मैं नेचुरल या फ्री कन्वेक्शन, ठीक है, नेचुरल या फ्री कन्वेक्शन. सो जिस हिसाब से बल्क मोशन होगा उस हिसाब से हम इसको डिसाइड करेंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ बल्क मोशन आप लिख सकते हो, ओके, ऑन बेसिस ऑफ बल्क मोशन कैसे हो रहा है उसके हिसाब से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं दो कैटेगरीज में. तो पहला हो गया बच्चों, पहला है इसका फ्री कन्वेक्शन या कह लो नेचुरल कन्वेक्शन, ठीक है, नेचुरल कन्वेक्शन. अब ये जो नेचुरल कन्वेक्शन है बच्चों, इस नेचुरल कन्वेक्शन में जो बल्क मोशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, बल्क मोशन हो रहा है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस. ओके, तो यहां लिख देता हूं मैं बल्क मोशन कैसे हो रहा है, बल्क मोशन इज ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, ठीक है. जबकि जो दूसरा प्रकार है दैट इज योर फोर्स्ड कन्वेक्शन, दूसरे में क्या हम लोग थोड़ा सा फोर्सफुली जबरदस्ती फ्लूड को फ्लो करवा रहे कुछ एफर्ट लगा करके, तो क्या बोलेंगे उसको, फोर्स्ड कन्वेक्शन बोल रहा हूं मैं. ओके, तो यहां पर हम लोग जो हमारा बल्क मोशन कराने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा डिवाइसेस लाइक पंप ब्लोअर आपके पास फैन है इन सब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. तो यहां पर जो बल्क मोशन ओके इज ऑब्टेन्ड बाय सम एक्सटर्नल मींस कुछ बाहरी जुगाड़ लगा करके हम लोग इसको फ्लो करा रहे हैं. तो कन्वेक्शन दो प्रकार का होता है, फ्री कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन. अब यहां पर जो कन्वेक्शन है बेसिकली चाहे वो फ्री हो चाहे वो फोर्स हो, इसके दौरान दो चीजें हो सकती है, क्योंकि फ्लूइड है जैसे कोई लिक्विड हो गया है ना, तो वहां पर आप देख सकते हो कि ड्यूरिंग द हीट ट्रांसफर हो सकता है कि इसका फेस चेंज हो रहा हो, यानी कि हो सकता है कि अगर कोई वेपर है ना वो कूल हो गया और कंडेंस हो गया वहां पर, है ना, तो फेस चेंज हो गया उसका, फिर और जो वेपर था वो अब एक लिक्विड फेस में आ चुका है, ऐसा भी हो सकता है. इसका अपोजिट लिक्विड वेपर फेस में भी जा सकता है, या ऐसा हो सकता है कि कोई भी फेस चेंज ना हो रहा हो. सो दो पॉसिबिलिटी होती है कन्वेक्शन के दौरान, कन्वेक्शन विथ फेस चेंज
और विदाउट फेज चेंज। तो मैकेनिज्म जो है, चाहे वो फ्री कन्वेक्शन का हो चाहे वो फोर्स कन्वेक्शन का हो, दोनों में दो पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी, या होगा कि आपके पास फेज चेंज आपको देखने को मिल रहे होंगे, या होगा कि फेज चेंज नहीं देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग बॉइलिंग या कंडेंसेशन की बात करते हैं तो वहां पर आप लोगों का फेज चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो और नॉर्मल के जस्ट नॉर्मल आप पानी को जस्ट गर्म कर रहे हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर तक आप जा रहे हो, तो फिर वहां पर आप देख पा रहे हो कि कोई फेज चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जनरली जो गेट में प्रॉब्लम आते हैं हमारे मैकेनिकल में, वो विदाउट फेज चेंज वाले होते हैं, तो हम लोग उस पर फोकस करेंगे, विदाउट फेज चेंज वाला जो पार्ट है कन्वेक्शन का उसको देखेंगे। अब कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ओके, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका गवर्निंग लॉ क्या है, दैट इज न्यूटन रिकमैन लॉ या फिर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हम लोग उसको बोलते हैं, दैट इज Q, that is rate of heat transfer is equal to H A delta T, और इसको अच्छे से लिखें तो H A T S minus T infinite, ये होता है आप लोगों के पास rate of heat transfer in convection is given by H A T S minus T infinite, जहां A जो है वो surface का area है, H जो है वो average heat transfer coefficient होता है, H जो होता है that is your average heat transfer coefficient। अब H को इस पूरे टॉपिक पे, कन्वेक्शन के पूरे टॉपिक में पूरा का पूरा जो अटेंशन है हमारा वो इसके ऊपर होगा, यही इस कहानी का हीरो है, यही सारी चीजें डिसाइड करता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने H के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं पढ़ा है, यहां पर अब थोड़ा सा हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखना, तो H जो है दैट इज एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशियंट। अब ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये बहुत सी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि फ्लूड किस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, मैं लिखूंगा नहीं बोलूंगा, आप चाहो तो सुन के नोट कर सकते हो, आपका जो फ्लूड है वो किस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन से आ रहा है। सपोज जैसे कि एक प्लेट है, जैसे मेरा हाथ दिख रहा है, तो ये डायमेंशन ज्यादा है ना, इसको आप लेंथ बोल सकते हो, इसको विड्थ बोल सकते हो, तो लेंथ और ये विड्थ, तो लेंथ के अलॉन्ग अगर फ्लो होगा फ्लूड ऐसा, तो अलग तरह से मुझे हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट मिलेगा, और अगर ऐसा फ्लो होगा तो अलग मिल जाएगा। तो ये वेलोसिटी वेक्टर यानी कि उसका किस डायरेक्शन में आप फ्लो करवा रहे हो और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों पे डिपेंड करेगा। सरफेस की फिनिश कैसी है, सरफेस फिनिश अच्छी है खराब है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और ओरिएंटेशन कैसा है, आपने हॉरिजॉन्टल रखा है वर्टिकल रखा है, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, फ्लूड की जो थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो बहुत सारे इसके वेरिएबल्स होते हैं, ये एक पर्टिकुलर फ्लूड के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसा जरूरी नहीं है, that is why it is not a property, ये कोई property नहीं, unlike your conductivity, conductivity है, thermal conductivity जो है वो हर एक substance की certain होती है। ठीक है, लेकिन heat transfer coefficient जो है वो यहाँ पर कोई fixed value नहीं है। Now this is your average heat transfer coefficient, ठीक है, average heat transfer coefficient ये है H। अब ये average heat transfer coefficient को ही अब हम लोग को detail में समझना है कि ये average heat transfer coefficient क्या वाला है, कहाँ से आती है। तो एक convection के problem को हम लोग अब अपने फोकस में लाते हैं। ठीक है, तो एकदम रेडी रहना है आप लोगों को, यहां तक आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो फ्लूइड का फ्लो है वो दो तरह से हो सकता है, एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल, यानी कि किसी सरफेस के ऊपर जैसे कि प्लेट के ऊपर और किसी पाइप के अंदर, दोनों तरह से हो सकता है। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं एक एक्सटर्नल फ्लो की। ओके, तो जब फ्लूइड किसी सरफेस के ऊपर फ्लो हो रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फ्लो, जिसमें हम लोगों को गेट में पढ़ना होता है फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट, फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट। ओके, फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट, ये हम लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है, फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट हम लोगों को पढ़ना होता है। नाउ यहां पर मैं एक प्लेट एज्यूम करना चाहूंगा, एक प्लेट एज्यूम करते हैं, चलो। ठीक है, यहां पर एक प्लेट एज्यूम किया मैंने। ठीक, नाउ अब देखिए, लेट अस से दिस इज एक्स डायरेक्शन, लेट अस से दिस इज एक्स डायरेक्शन, ध्यान से देखना सभी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कन्वेक्शन, मैक्सिमम लोगों का वीक रह जाता है हीट ट्रांसफर में। ठीक है, लेट अस से दिस इज एक्स इक्वल टू एल, तो इसके हिसाब से एल जो है ये लेंथ हो गई। ठीक है, ओके, नाउ यहां से क्या करो, देखो यहां से ना एक एक्स डिस्टेंस पर किसी लोकेशन पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, लेट अस से dx, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया।
ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है, ये जो प्लेट है, इसकी कंडक्टिविटी के एस है। के एस फॉर द सॉलिड, दिस इज सॉलिड, तो के एस लिख देता हूं मैं। के एस क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है ऑफ सॉलिड। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। ओके, नाउ लेट अस से इसका जो टेम्परेचर है, लेट अस से इसका जो टेम्परेचर इस लोकेशन पे, लेट अस से वो है आपके पास TS, TS यहां पर इसका टेम्परेचर जो है TS, और इस x लोकेशन पे बोल रहा हूं तो TSX ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, TSX। नाउ जो फ्लूड है यहां पर, फ्लूड जो है, ठीक है, जो फ्लूड है इसमें, इसके ऊपर जो इस तरह से फ्लूड है, ठीक है, कुछ फ्लूड है यहां पर इसमें इस तरह से। ओके, सो यहां पर इसका जो टेम्परेचर है दैट इज T इनफाइनाइट, इसका जो टेम्परेचर है फ्लूड का दैट इज T इनफाइनाइट। ठीक है, T इनफाइनाइट है। ओके, नाउ हो सकता है कि T इनफाइनाइट भी हर जगह कुछ कुछ चेंज हो रहा हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि T इनफाइनाइट भी हर जगह कुछ कुछ चेंज हो रहा हो। ओके, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि इस लोकेशन पे T इनफाइनाइट अलग हो सकता है, इस लोकेशन पे T इनफाइनाइट अलग हो, तो इसको भी T इनफाइनाइट X बोल देता हूं मैं, चलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पर टेम्परेचर कुछ अलग है, लोग T इनफाइनाइट X बोल दिया। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है इस लोकेशन पर, उसको मैं लिखता हूं डेल्टी एक्स, या आप चाहो तो थीटा एक्स भी लिख सकते हो। थीटा एक्स क्या है? थीटा एक्स जो है दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन फ्लूड एंड सरफेस, बिटवीन फ्लूड एंड सॉलिड सरफेस एट एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, यहां से समझ आ रहा है, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उस जगह पर उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर रेट मुझे मिल रहा होगा, उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर रेट होगा। नाउ यहां पर मैं पूरे प्लेट की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं पूरे प्लेट की, इसका एरिया ये होगा ना, मैं पूरे प्लेट की बात नहीं कर रहा हूं। देखो आप, अब यहां पर आप देख सकते हो कि टेम्परेचर डिफरेंस यहां अलग हो सकता है, बोल रहा हूं मैं, यहां अलग हो सकता है, ऑब्वियसली बात है, फिर यहां भी अलग हो सकता है। ठीक है, हर जगह अलग अलग हो सकता है। अब हम यहां से एक चीज जानते हैं हीट फ्लक्स के बारे में, हीट फ्लक्स, देखो हीट फ्लक्स के बारे में जानते हैं। हीट फ्लक्स क्या होता है? हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया, हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया, ये जानते हैं हम लोग। ओके, लेकिन इस इक्वेशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। ठीक है, ये तब आप लोग लगा सकते हो जब ओवरऑल सारे सरफेस से अगर आप लोग बोल सकते हो कि हर यूनिट एरिया से सेम हीट ट्रांसफर रेट मिल रहा है। व्हाट इज दिस हीट फ्लक्स? क्या होता है भाई? हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया। तो मैं बोलूंगा इस प्लेट का हीट फ्लक्स क्यू है, इस प्लेट का हीट फ्लक्स स्मॉल क्यू ये है, तो इसका मतलब यह है इस प्लेट के एक यूनिट एरिया से इतना हीट हमेशा निकल रहा। तो आप ये वाला यूनिट एरिया लो, यहां पर इस तरफ लो, या इस तरफ लो, या बीच में कोई यूनिट एरिया लो, यू विल बी हैविंग सेम क्यू। दैट मींस क्यू हीट फ्लक्स इज कांस्टेंट। बट हीट फ्लक्स जो होगा, अगर उस इक्वेशन पे थोड़ा ध्यान दे, हीट फ्लक्स जो होगा उस इक्वेशन में जो ऊपर लिखा है उस पर ध्यान दो, वहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो वैसा लिख सकता हूं, क्यू इज इक्वल टू एच, एरिया से डिवाइड कर दे, एरिया हटा दो वहां का, है ना। तो ये हो गया टी एस माइनस टी इनफाइनाइट। नाउ इफ यू हैव अटेंशन then you can clearly see my dear students के TS minus T infinite जो है that may vary, it may remain constant but it may vary। तो हम variation वाले चीज को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं, तो TS minus T infinite जो है वो vary कर सकता है, obvious सी बात है ना, obvious सी बात है, ये vary कर सकता है। तो यहाँ पर साथ ही साथ हो सकता है, बोला ना भाई, अब देखो हो सकता है कि आपके पास यहां पर H की वैल्यू कुछ अलग हो, है ना, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे एक सर्टेन रेट से ही ट्रांसफर हो रहा हो। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बोलते हैं इसको HX, और यहां पर एक्चुअली में ये क्या है, दिस इज TSX, T इनफाइनाइट X। तो हमने यहां पर ये देखा कि हम लोग भले ऐसा बात करते हैं हीट फ्लक्स का, दैट इज, अगर इसको मैं मिटा दूंगा बट लिख देता हूं, क्यू इंटू एच टेम्परेचर है, पूरे सरफेस का टेम्परेचर है टी एस,
और टी इन्वेरिएंट पूरे के पूरे फ्लूइड का टेम्परेचर है। बट आई एम सेइंग दैट फ्लूइड का टेम्परेचर तो हर जगह अलग अलग होगा भाई। फ्लूइड ऐसे कि ऐसे मूव कर रहा है तो आगे मूव करने के दौरान ये कुछ ना कुछ हीट गेन करते जाएगा, पक्की बात है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा, यहाँ से ठंडा ठंडा पानी सपोज इंटर कर रहा है तो इंटर करते साथ तो गर्म नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा कुछ हीट गेन करेगा, थोड़ा टेम्परेचर राइज होगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा फिर कुछ हीट गेन करेगा, फिर थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होगा। ऐसे करते करते ये जब यहां से आगे प्लेट कुछ से जब वो गुजर जाएगा तो उसका एक सर्टेन टेम्परेचर होगा, दैट इज सर्टेन, ऐसा ही होगा, है ना। सो यहां पर टी एस माइनस टी इनफिनिट इज नॉट कॉन्स्टेंट, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग है, थीटा एक्स इज द टेम्परेचर डिफरेंस। सेम वैसी मैं बोल रहा हूं कि अलग अलग लोकेशन पर, अलग अलग लोकेशन पर एच जो होगा उसकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है। सो दिस एच अबाउट विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, यानी कि x इक्वल टू जीरो या क्लोज टू जीरो इस तरफ से देखोगे तो अलग होगा, यहाँ कहीं अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, एट ईच एंड एवरी लोकेशन दिस एच इज हैविंग डिफरेंट वैल्यू। सो फ्रॉम हियर क्यू इज ऑल्सो हैविंग डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट लोकेशन, तो इसको बोलते हैं हम लोग लोकल हीट फ्लक्स। क्या बोलते हैं इसको? लोकल हीट फ्लक्स। दिस इज नॉट हीट फ्लक्स, दिस इज लोकल हीट फ्लक्स। तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन से, किसी पर्टिकुलर लोकेशन से जो हीट फ्लक्स आपको मिल रहा है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन से जो आपको हीट फ्लक्स मिल रहा है, दैट इज योर लोकल हीट फ्लक्स, ठीक है। तो ये लोकल हीट फ्लक्स हो गया, जिसको लिखता हूं क्यू एक्स, ओके क्यू एक्स ये लिखता हूं। अब ये कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड है के एस, लेट अस से जो फ्लूड की कंडक्टिविटी है दैट इज के एफ, ऐसा कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूड ये हुआ, ठीक है। सो अब ये समझ आ गया हमको भैया, लोग अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग हीट फ्लक्स की वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि सरफेस पे जो आप लोगों को हीट ट्रांसफर क्वेश्चन मिल रहा है डिफरेंट लोकेशन पे वो डिफरेंट हो सकता है। हम लोग सारी संभावनाओं को लेकर के चलेंगे और जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी हो सकता है कि वैरी हो रहा हो। तो एक पर्टिकुलर लोकेशन से जो हीट फ्लक्स मिलेगा दैट इज नोन एज लोकल हीट फ्लक्स, वाट पर मीटर स्क्वायर में ये भी होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो सॉलिड है, सॉलिड का कुछ भी शेप हो सकता है, जैसे कि प्लेन वॉल हो सकता है, ये है ना प्लेन वॉल हो सकता है, हो सकता है कि ये एक सिलेंड्रिकल वॉल हो सकता है कैसी भी दूसरी शेप की वॉल हो, तो इसके अंदर कुछ टेम्परेचर वेरिएशन होगा, है ना, टेम्परेचर का कुछ प्रोफाइल होगी इसके अंदर, पक्की बात है। अब इस लोकेशन पर जो भी प्रोफाइल होगी उसका अपना एक टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा ना, ऑब्वियसली बात है। सो लेट अस से दिस इज वाई डायरेक्शन, हीट वाई डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना, हीट वाई डायरेक्शन फ्लो, तो यहां से जो हीट है वो सॉलिड के अंदर जो हीट है वो सॉलिड के एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक कैसे आ रही होगी भाई? सॉलिड के अंदर जो हीट ट्रेवल करती है दैट ट्रेवल्स थ्रू कंडक्शन। सो यहां पर एट दिस लोकेशन क्या बोलेंगे इस लोकेशन को? इसको बोलेंगे बच्चों y इज इक्वल टू जीरो। सो टिल y इक्वल टू जीरो यहां से जो हीट है वो सॉलिड में कैसे आई है? सॉलिड में कंडक्शन के थ्रू आई है। नाउ वी नो दैट फ्लूड में आप लोगों ने पढ़ा होगा नो स्लिप कंडीशन के बारे में। नो स्लिप कंडीशन यानी कि हम मानते हैं कि जब भी कोई फ्लूड किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर फ्लो हो रहा होगा तो अगर नो स्लिप कंडीशन फॉलो हो रही है तो वहां पर क्या बोलेंगे हम कि जो वेरी फर्स्ट लेयर ऑफ द फ्लूड है दैट विल कम टू रेस्ट बिकॉज और यू कैन से देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सॉलिड एंड द फ्लूड एट द सॉलिड फ्लूड इंटरफेस। यानी कि वाई इक्वल टू जीरो पर इस लोकेशन पर इस सॉलिड में और इस फ्लूड के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होने वाला है ना। तो देखो तो यहां पर ये क्या हो गया, जो वेरी फर्स्ट लेयर है फ्लूड की वो किस पे हो गई? वो रेस्ट पे आ गई। अब यहीं से स्टोरी चालू होती पूरी कन्वेक्शन की, ठीक है। अब देखो तो जो पहला लेयर जो है वो आ गया आपके रेस्ट पे। जब कोई भी मीडियम रेस्ट पे होता है और वहां पर हीट ट्रांसफर हो रहा होता है तो हीट ट्रांसफर होता है थ्रू कंडक्शन, तो कंडक्शन होगा एट y इक्वल टू जीरो इन फ्लूड एज वेल। सॉलिड में तो होगा ही होगा, सॉलिड में तो हुआ कंडक्शन के थ्रू हीट आई। अब ये जो कंडक्शन के थ्रू हीट आई है ये जो फर्स्ट लेयर ऑफ फ्लूड है एट y इक्वल टू जीरो उसमें जाएगी थ्रू कंडक्शन, ओके। सो यहां से जो हीट आई कितनी आई भैया? क्यू एक्स हीट आई। एक्स लोकेशन पे जो हीट आ रही है दैट इज योर हीट फ्लक्स क्यू एक्स। सो क्यू एक्स आया आपके पास, क्यू एक्स आया इन सॉलिड। सबसे पहले किसमें आया? क्यू सॉलिड में आया। देन सॉलिड से क्यू एक्स किसमें गया? इन लिक्विड।
एट वाई इक्वल टू जीरो, कैसे गया? थ्रू कंडक्शन, ओके, थ्रू कंडक्शन। अब आगे कैसे जाएगा? आगे तो ऐसा कुछ है नहीं, आगे तो मोशन है ही। y इक्वल जीरो के बाद जो जस्ट नेक्स्ट लेयर मिलेगी वो तो मूव कर रही होगी, तो जब मूव कर रही होगी तो वहां क्या हो रहा होगा? वहां पर तो कन्वेक्शन ही हो रहा होगा। तो यहां से फिर ये जो लेयर है ना, यहां से जो लेयर है, इस लेयर से के बाद जो नेक्स्ट लेयर में हीट जाएगी, यानी कि जब फ्लूड में हीट जाएगा, दैट विल बी थ्रू कन्वेक्शन। सो सेम हीट फ्लक्स जो है क्यूएक्स, ओके क्यूएक्स, ओके इन लिक्विड थ्रू कंडक्शन, सॉरी कन्वेक्शन, है ना, थ्रू कन्वेक्शन ये होता है। तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मैं समराइज कर देता हूं, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर हम बात करेंगे तो वहां पर जो हीट फ्लक्स की वैल्यू है वो कुछ अलग होगी। तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो हीट फ्लक्स की वैल्यू है उसको मैं बोलता हूं लोकल हीट फ्लक्स। अब ये लोकल हीट फ्लक्स के बारे में हम बात करते हैं तीनों मैकेनिज्म के थ्रू कि इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक है। सॉलिड की कंडक्टिविटी है, मैं बोला के एस, ठीक है, यहां पर कंडक्शन हो रहा है कुछ, कंडक्शन के थ्रू हीट आई, कहां ट्रेवल करी ये हीट? पहले तो सॉलिड में ट्रेवल करी और कहां पर आई? कंडक्शन के थ्रू सॉलिड सरफेस पे आई, y इक्वल टू जीरो पे सॉलिड सरफेस पे आई। सेम यहां पर जो पहली लेयर है फ्लूड की, y इक्वल टू जीरो पे, y इक्वल टू जीरो इंटरफेस है ना सॉलिड का और फ्लूड का, तो y इक्वल टू जीरो पे जो हीट है वो आई किसमें? सॉलिड के सरफेस तक। अब ये कहां जाएगी? जो पहला लेयर है फ्लूड का जो कि रेस्ट पे है क्योंकि चिपक चुका है, ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन देयर विल बी नो मोशन इन द वेरी फर्स्ट लेयर ऑफ द फ्लूड, तो उसमें ये हीट जाएगी थ्रू कंडक्शन। उसके बाद सेम ये नेक्स्ट आगे कैसे बढ़ेगी? थ्रू कन्वेक्शन। तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लिक्विड है उसमें सेम जो हीट फ्लक्स है वो आगे जाएगा, कहां पर? इस लोकेशन। तब इसकी वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। सो अब इस इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं, तो लिखता हूं मैं क्यू एक्स ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्यू एक्स कंडक्शन, है ना, इन फ्लूड, है ना, इन फ्लूड इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू एक्स, ओके कन्वेक्शन। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं? ड्यू टू स्टडी स्टेट। अगर स्टडी स्टेट है तो कोई भी हीट कहीं पर स्टोर नहीं होनी चाहिए, तो जितनी हीट आई है यहां से सॉलिड से जितनी हीट आ रही है उतनी हीट फ्लूड के फर्स्ट लेयर में जाएगी थ्रू कंडक्शन, देन आगे उतनी हीट चली जाएगी थ्रू कन्वेक्शन। कोई भी कहीं भी एनर्जी वहां पर स्टोर या एक्यूमुलेट बोल सकते हो नहीं होगी, ठीक है। सो स्टडी स्टेट के लिए ये एनर्जी बैलेंस आपको मिलेगा इस तरह से। अब सॉलिड के लिए लिखते हैं, भैया सॉलिड में क्या हो रहा है? सॉलिड में हो रहा है कंडक्शन, ठीक है। तो कंडक्शन के लिए क्या लगाते हैं? कंडक्शन के लगाएंगे फोरियर लॉ, तो माइनस के एस इंटू डी टी बाई वाई डायरेक्शन में हो रहा है डी टी बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू जीरो, किसके लिए लगाया? सॉलिड के लिए लगाया, ठीक है, सॉलिड के लिए लगाया। तो सॉलिड का कुछ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिया गया कि सॉलिड के अंदर ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहां पर सॉलिड में जो टेम्परेचर ग्रेडियंट मुझे मिल रहा है वाई इक्वल टू जीरो वो होगा ये, है ना। तो सॉलिड में कोई टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, जैसे किस तरह से, सपोज एक मैं प्लेट का एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो, तो इसमें सपोज इसमें स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन हो रहा है ना, स्टडी स्टेट इसमें हीट कंडक्शन हो रहा है लाइक दिस, ये आपका इस तरह से, और उसके बाद फिर फ्लूड में जा रहा है लाइक दिस। तो इस वाले पॉइंट पे दिस इज योर, दिस इज लेट अस से टेम्परेचर टी वन, लेट अस से दिस इज टेम्परेचर टी टू विच इज योर सरफेस टेम्परेचर, है ना, विच इज सरफेस टेम्परेचर। यहाँ पर इस तरह से फ्लूड रखा हुआ है सपोज कोई ऐसा, है ना, इस तरह से कोई फ्लूड रखा हुआ है सपोज, तो यहाँ से हीट जा रही है ना इस डायरेक्शन में, तो इस लोकेशन पे इसका जो स्लोप हो जाएगा, इस लोकेशन पे जो स्लोप हो जाएगा दैट इज डी टी बाई डी वाई एट वाई इज इक्वल टू जीरो। ये है y इक्वल टू जीरो, किसको मान रहे हैं? जो सॉलिड फ्लूड इंटरफेस है उसको। y इक्वल टू जीरो क्या है? ये बेटा आपका सॉलिड फ्लूड का इंटरफेस है, ठीक है, सॉलिड फ्लूड इंटरफेस, ठीक है। तो यहां पर लगा रहा हूं मैं, तो यहां पर देखो ये ग्रेडियंट मिल गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट मिल गया सॉलिड में। अब सेम आगे बात करते हैं, हम लोग फ्लूड में, तो जाएगा माइनस के एफ। के एफ क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूड जो है, जो कि थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है जो आपको एग्जाम में जनरली दे रहती है, ठीक है, कि फ्लूड जो है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी इतनी है, वो दे रहता है एग्जाम में, ओके, इज इक्वल टू माइनस के एफ इंटू डी टी बाई डी वाई। अब आप देख सकते हैं फ्लूड में भी कुछ टेम्परेचर प्रोफाइल होगी, टेम्परेचर वेरी कर रहा होगा फ्लूड में भी, इस तरह से फ्लूड में भी टेम्परेचर वेरी कर रहा होगा। तो इस लोकेशन पे जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, इस लोकेशन पर जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है दैट विल बी डी टी बाई डी वाई। सो डी टी बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू जीरो, बेटा ये किसका हुआ? ये हुआ आपके फ्लूड का, जो भी लिक्विड या एयर वगैरह जो भी दे रखी है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच
एक्स एच एक्स ओके इंटू थीटा एक्स. थीटा एक्स क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस एट दिस लोकेशन. टेम्परेचर डिफरेंस एट दिस लोकेशन. अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आप लोगों को एक कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर दे दिया है, टी एस है पूरा, x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू एल तक के, और फ्लूड का टेम्परेचर टी इनफिनिट है, तो कुछ नहीं करना है. इसके जगह क्या हो जाएगा फिर उसके, ऐसे केस में टी एस माइनस टी इनफिनिट हो जाएगा. अगर किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि एट अ लोकेशन टेम्परेचर ये है, फ्लूड का टेम्परेचर ये है, तो भी अब आप लोग इजीली बना सकते हो. और यहां से यकीन मानिए बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं. यहां से आपको जनरली पूछा जाता है दो चीज, यहां से दो चीज पूछी जाती है आपको. पहला तो पूछा जाएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है, जैसे कि आपको दे देगा कि सॉलिड में इतना है फ्लूड में बताओ, या बोल देगा फ्लूड में इतना टेम्परेचर ग्रेडियंट है सॉलिड का बताओ. ठीक है, ये दे देगा आप लोगों को, के वगैरह दे दिया रहेगा, और आपको ऐसा टेम्परेचर ग्रेडियंट फ्लूड का या सॉलिड का किसी एक का देके दूसरे का पूछेगा, ये फर्स्ट टाइम. और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट कितना होगा ये पूछेगा. तो एच एक्स यहां से आप लोग कोई भी, जैसे कि अगर ये कंप्लीटली नोन है आपके पास, तो उसके साथ उसको इक्वेट कर दो, आपको जो हीट ट्रांसफर कोफिशियंट है, लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, वो आपको मिल जाएगा. तो यहां से हम लोगों को एक चीज समझ आ गई कि हीट ट्रांसफर कोफिशियंट हर लोकेशन पर अलग अलग होता है. ठीक है, हीट ट्रांसफर कोफिशियंट हर लोकेशन पर अलग अलग होता है. अब मान लीजिए सरफेस का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है. ठीक है, मान लीजिए सरफेस टेम्परेचर कांस्टेंट है. ओके, कांस्टेंट, कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर हम लोग मान लेते हैं. ठीक है, तो ये जाएगा टी एस. ठीक है, कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर यानी कि टी एस है. मान लीजिए पूरे सरफेस का टेम्परेचर जो है टी एस है, इस तरह से टी एस है बोल दिया. ठीक है, सो यहां पर अब देखते हैं हम लोग जैसे कि एक एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वो देखते हैं. ठीक है, एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो देखते हैं. तो देखते हैं एवरेज, ठीक है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट. ठीक है, एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, इसको आप लोग लिख सकते हो एच बार, और एच एल भी लिख सकते हो, और सिंपली एच भी लिख सकते हैं. हम लोग जनरली सिंपली एच ही लिखेंगे. तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ये एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आप लोगों के पास क्या है ये देखते हैं. ठीक है, तो जैसे कि मैं सपोज एक प्लेट ले लेता हूं, है ना, एक प्लेट ले लिया, मैं प्लेट ले लिया यहां से, दिस इज एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इज एक्स इक्वल टू एल. लेट अस से प्लेट की विड्थ है आपके पास बी है, है ना, बी प्लेट की विड्थ है आपके पास, ये प्लेट है आपके पास. ठीक है, तो यहां से मैंने क्या किया था, यहां से बेटा एक्स डिस्टेंस से मैंने इस तरह से एलिमेंट लिया था डी एक्स, है ना, ये उसका इधर फ्लूड है आप लोग के पास. तो ये जो एरिया है, सरफेस एरिया जो है ए यहाँ पर एलिमेंट का, वो कितना हो जाएगा, बी डी एक्स हो गया, बी डी एक्स. ठीक, नाउ नाउ यहां से आप देख सकते हो, यहां से आप देख सकते हो कि इस जगह से, इस जगह से अगर मैं हीट ट्रांसफर निकालना चाहूँ, इस जगह से अगर मैं हीट ट्रांसफर निकालना चाहूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास क्यू एक्स इंटू बी डी एक्स. इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट से जो हीट ट्रांसफर निकालना चाहूंगा क्या हो जाएगा, क्यू एक्स इंटू बी डी एक्स. ये लोकल हीट फ्लक्स है, तो इस एलिमेंटल एरिया से अगर मैं बताऊं हीट ट्रांसफर रेट कितना है, तो हो जाएगा लोकल हीट फ्लक्स इंटू द एरिया दैट इज बी डी एक्स. अब इसको अगर मैं पूरे प्लेट के लिए जानना चाहूँ कि भाई टोटल प्लेट से कितना हीट ट्रांसफर मिला, यानी कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम प्लेट, हीट ट्रांसफर रेट फॉर प्लेट अगर मैं पूरा निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ, इसको इंटीग्रेट करता हूँ, है ना, हो जाएगा जीरो टू एल. पक्की बात है, जीरो टू एल इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, तो हीट ट्रांसफर रेट मिल जाएगा फॉर द प्लेट. अब यहीं से डिफाइन होता है आप लोगों का एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट. इफ एच इज एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ठीक है, तो अगर h एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, ओके, एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, तो उस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं, उस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं q इज इक्वल टू h a t s माइनस t इनफाइनाइट, ऐसा लिख सकते हैं, कौन है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर ले लिया हम लोग, t s माइनस t इनफाइनाइट. ठीक है, यहाँ टेम्परेचर वेरिएशन वाली भी बात मैं करता हूँ जनरली, जब ये वेरी हो रहा होगा तो कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पर मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, जनरली जो भी फुल कोर्स वगैरह हम लोग डिस्कस करते हैं तो सारे पॉइंट्स कवर करते हैं हम लोग, लेकिन जितना भी इंपॉर्टेंट है, टाइम लिमिटेशन है बच्चों, तो आई होप आप समझ सकते हो, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज है बस मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ. ठीक है, नाउ
तो TS माइनस टी इनफाइनाइट हो गया, तो ये भी आप लोगों के पास हीट ट्रांसफर रेट हो गया है ना, और ये भी आपके पास हीट ट्रांसफर रेट हो गया फॉर द प्लेट। ओके, तो दोनों बराबर होना चाहिए। सो एच इंटू ए, प्लेट का एरिया कितना है, बी इंटू एल, ओके, इंटू टी एस माइनस टी इनफाइनाइट, ठीक है, इंटू टी एस माइनस टी इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोग के पास, इज इक्वल टू हो जाएगा आप लोग के पास इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एल क्यू एक्स इंटू बी डी एक्स, ठीक है, यहाँ से बी बी को निपटा देते हैं पहले, तो ठीक है, क्यू एक्स लिख सकते हैं हम लोग क्योंकि मैंने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट ले लिया, ठीक है, टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट ले लिया, तो सीधा लिख सकता हूँ यहाँ से इस तरह से एच, ओके, इज एच इंटू एल इंटू टी एस माइनस टी इनफाइनाइट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एल, ओके, एच एक्स इंटू टी एस माइनस टी इनफाइनाइट, टी एस माइनस टी इनफाइनाइट, ओके, टी एस माइनस टी इनफाइनाइट और इंटू डी एक्स हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, तो यहां से आप लोगों को एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशियंट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है, एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशियंट जो है वो आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का एच इज इक्वल टू वन बाई एल इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एल, ओके, एच एक्स इंटू डी एक्स, सो दिस इज योर टोटल हीट ट्रांसफर रेट, क्योंकि हर जगह आप लोग को अलग अलग हीट फ्लक्स मिल रहा है, तो जो ओवरऑल जो आपको हीट ट्रांसफर मिल रहा है यहाँ से पर यूनिट टाइम वो आप यहाँ पर बता पाओगे, ठीक है, विथ हेल्प ऑफ दिस एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, ठीक है। सो नाउ एवरेज ट्रांसफर कोफिशियंट का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज सेम फॉर द नेचुरल एज वेल एज द फोर्स कन्वेक्शन प्रॉब्लम, तो यहां से इस वाले सेगमेंट से आपको क्वेश्चंस जो है वो दिखाई देंगे आपके गेट एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पर लेते हैं इस पोर्शन से। तो ये आपके सामने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उस टॉपिक पे बेस्ड जो अभी हम लोगों ने कवर किया। चलिए देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन फ्रॉम वाटर एट 48 डिग्री सेल्सियस to a glass plate whose surface that is exposed to the water is at 40 degree Celsius. तो यहाँ पर water है जो कि 48 degree Celsius पे गर्म है और उससे एक surface पे जिसका temperature 40 degree Celsius है उस पे heat transfer यहाँ पर हो रहा है। Thermal conductivity of water आपको दे रखा है, तो मैंने जो आपको fluid की thermal conductivity की बात की हुई है, जो मैंने आपको fluid के thermal conductivity की बात की हुई है, तो fluid की thermal conductivity यहाँ पर दे रखी है आप लोगों को, ठीक है, fluid की thermal conductivity दे रखी है आपको Kf जैसे बोलते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 0.6 वॉट पर मीटर केल्विन हो जाएगा। एंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास, ग्लास सॉलिड है तो Ks यहां पर आपको दे दिया है 1.2 वॉट पर मीटर केल्विन, ये दे रखा है, ठीक है। नाउ द स्पेशल ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर इन द वॉटर एट द वॉटर ग्लास इंटरफेस, यानी कि इंटरफेस की जब भी बात होगी बच्चों, यानी कि y इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं, यहां पर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इज dT by dy इज इक्वल टू 1 × 10⁴ केल्विन पर मीटर, ये आप लोगों को दे रखा है, ठीक है, ये आप लोगों को दे रखा है। नाउ आप लोगों को यहां से क्वेश्चन पूछा है कुछ, इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है इसमें कि वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द ग्लास एट द वाटर ग्लास इंटरफेस, तो सॉलिड यानी कि ग्लास जो है उसमें जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा है, ठीक है। तो डायरेक्ट जो मैंने आप लोगों को बैलेंस बताया, एनर्जी बैलेंस बताया है Qx का, लोकल हीट फ्लक्स का, वही आप लोगों को उसमें अप्लाई करना, डायरेक्टली बन जाएगा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट h इन वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, तो यहां पर आप लोगों को h की वैल्यू क्या मिल रही है वो भी आपको बताना है, तो डायरेक्टली बन सकता है क्वेश्चन, बहुत आसान रहेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। तो हम लोगों को बताना है पहले तो कि टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द ग्लास एट वाटर ग्लास इंटरफेस यानी कि y इक्वल टू जीरो पे कितना है, ठीक है, y इक्वल टू जीरो पे ये कितना है, तो भाई देखते हैं, तो यहां से लिखेंगे हम लोग Qx इन सॉलिड, ओके, और ये किस वाला होता है, ये कंडक्शन वाला होता है, भूलना नहीं, ठीक है, और सेम वैसी Qx इन लिक्विड, ये भी कौन सा वाला, कंडक्शन वाला, और ये याद रखना जो हम लोग प्योरली कंडक्शन है कि जो फोरियर लॉ है जो हम लगा रहे हैं माइनस के डी टी वाई डी एक्स एट वाई इक्वल टू जीरो, दैट विल बी ओनली एप्लीकेबल एट द सरफेस एट इंटरफेस वाई इक्वल टू जीरो पे, बिकॉज वाई इक्वल टू जीरो पे जो फ्लूड है वो कंप्लीटली रेस्ट पे है, ओके, तो जो मीडियम एट रेस्ट वाला क्राइटेरिया है कंडक्शन के लिए वो y इक्वल टू जीरो पे सेटिस्फाई होता है, दैट्स व्हाई इसको सिर्फ y इक्वल टू जीरो पे अप्लाई करेंगे। तो यहां से हम लोगों को हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है
वो मिल जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड के लिए देखते, देखो क्या हो जाएगा, माइनस के एस इंटू डी टी बाई डी वाई, ओके, एट वाई इक्वल टू जीरो। ये सॉलिड का है, हमको यही निकालना है, दिस इज फॉर सॉलिड, यानी कि ग्लास के लिए है ना, ये हमको फाइंड आउट करना है ये, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस के एफ इंटू डी टी बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू जीरो, और ये किसके लिए है, ये आपके फ्लूड के लिए, यानी कि जो वाटर है हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन में, उसके लिए है, ठीक है। ये वैल्यूज हमको दे रखी है, ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया, जाएगा 0.6 इंटू डी टी वाई डी वाई, यहाँ पर वाटर में दे रखा है आप लोगों को, वाटर एट वाटर प्लांट इंटरस्पेस के लिए आपको दे रखा है 1 × 10⁴, ठीक है। यहां से के इधर ट्रांसफर कर दो, के कितना भी यहाँ पर आपके पास है 1.2, ठीक है, 1.2 यहां से हो जाएगा, तो ये कट गया आप लोगों का, ये हो जाएगा टोटल 0.5, ठीक है, हो जाएगा 0.5, तो 0.5 इंटू 10⁴ आपको मिल रहा है डी टी बाई डी वाई, दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द ग्लास एट द वाटर ग्लास इंटरफेस, वाई इक्वल टू जीरो पे कितना रहा है 0.4 इंटू 10⁴ आ रहा है आपके पास, 0.5 इंटू 10⁴ आपके पास आ रहा है, 0.5 इंटू 10⁴, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नाउ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सी में, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालना है आप लोगों को, तो सेम वही क्या करेंगे हम लोग, क्यू एक्स जो कंडक्शन का था, ओके, जो कंडक्शन का था, अब आप तो दोनों जान चुके हो, तो किसी का भी लगा सकते हो, वाटर का लगा लो या ग्लास का लगा लो, कंडक्शन में जितना हीट फ्लक्स आया था उस लोकेशन पे, उतना ही हीट फ्लक्स आएगा आपका कन्वेक्शन में, लोकल हीट फ्लक्स, ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो यहां से लिखता हूं मैं माइनस, ओके, माइनस के ऑफ वाटर कितना है 0.6 इंटू 1 × 10⁴, ये हो गया, ठीक है, माइनस के डी टी बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू जीरो, मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूं, आप लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, इज इक्वल टू एच एक्स इंटू यहां हो जाएगा आपके पास एच एक्स इंटू टी एस माइनस टी इनफाइनाइट, ये लिखूंगा, है ना, टी एस माइनस टी इनफाइनाइट ये लिखूंगा, ओके। अब देखो यहाँ पर, तो आपको टी एस कितना दे रखा है, आप लोग को दे रखा है टी एस 40 माइनस टी इनफाइनाइट, यानी कि फ्लूड का टेम्परेचर दे रखा है 48, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस एट हो जाएगा, ठीक है, -8 हो जाएगा यहाँ से, और सॉल्व कर लेते हैं सीधा, ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आप लोग पास, तो 0.6 बाई 8 इंटू 10⁴ ये है 4, ओके, इक्वल टू एच एक्स, ये हो गया आपके पास, तो 0.6, ओके, 0.6 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁴, तो 750 आ रहा है, एच एक्स आ रहा है आपके पास यहाँ पर 750 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये 750, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास वो सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे थ्योरी टॉपिक देखते हैं। तो यहां पर हम लोग ने देखा कि किस तरह से हम लोग अभी लोकल हीट फ्लक्स निकाल सकते हैं और कैसे हम लोग किसी प्लेट के लिए फिर लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बता सकते हैं और फिर उसके बेसिस पे हम लोग एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो है वो बता सकते हैं। एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताया, ये होगा एच इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L एच एक्स इंटू डी एक्स, ये आपके पास एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू होगी, ठीक है, फॉर एनी टाइप ऑफ कन्वेक्शन, चाहे वो फ्री हो चाहे वो फोर्स कन्वेक्शन हो। नाउ जो फोर्स कन्वेक्शन का प्रॉब्लम होगा या फ्री कन्वेक्शन का प्रॉब्लम होगा, उसमें सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव हमारे पास यही होगा कि हम लोग उस सरफेस से जो हीट ट्रांसफर रेट है वो निकाल पाए, है ना, यानी कि कैपिटल क्यू हीट ट्रांसफर रेट जो है वो फाइंड आउट कर पाए। उसके लिए हम लोगों को एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की नीड होती है, और एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हो चाहे लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हो, उसकी वैल्यू को क्रिएट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, चाहे फ्री कन्वेक्शन का समस्या हो चाहे फोर्स कन्वेक्शन का हो, ठीक है, दोनों में एक इंपॉर्टेंट डायमेंशनलेस नंबर का इस्तेमाल होता है, दैट इज नसेल्ट नंबर। नसेल्ट नंबर विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग आउट द लोकल और एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ठीक है। नाउ हाउ वी डिफाइन द नसेल्ट नंबर, तो नसेल्ट नंबर क्या है, देखो नसेल्ट नंबर जो मैं बोल रहा हूं, ये नसेल्ट नंबर आपकी हर जगह वैलिड है, ठीक है, चाहे आपका फ्री का प्रॉब्लम हो चाहे फोर्स कन्वेक्शन का प्रॉब्लम हो। नसेल्ट नंबर इज डिफाइंड एज, ओके, स्टार्टिंग में हम बात करते हैं तो कभी भी जो हम लोग लोकल वैल्यू की बात करते हैं, फिर डिफरेंट वहां पर हम लोग कैलकुलेशंस लगाते हैं और फिर हम लोग को एवरेज नसेल्ट नंबर के लिए कोरिलेशन मिलता है। सो एट द वेरी बिगनिंग वी विल बी डिफाइनिंग द नसेल्ट नंबर
एट अ पर्टिकुलर लोकेशन ओनली, तो उसको क्या लिखते हैं NUX. NUX का क्या मतलब होता है? लोकल नसेल्ट, ओके, लोकल नसेल्ट नंबर, ओके, लोकल नसेल्ट नंबर, ये आपके पास होता है. तो लोकल नसेल्ट नंबर कैसे डिस्क्राइब होगा? अभी जो हम लोगों ने टॉपिक डील किया है, मैंने आपको बताया जैसे कि कोई सॉलिड सर्फेस होगा, सॉलिड सर्फेस होगा, इसमें y इक्वल 0 पे यानी कि इंटरफेस पे जो भी फ्लूड है, ठीक है, उसमें कोई टेम्परेचर ग्रेडियंट है, उसमें कोई भी टेम्परेचर ग्रेडियंट है, दैट इज dT / dy एट y इक्वल 0 इन द फ्लूड. तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे इसकी वैल्यू अलग हो सकती है ना. x डिस्टेंस पे मैंने निकाला है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट, लेट अस से x डिस्टेंस पे कुछ मिला, x डिस्टेंस मुझे कुछ मिला dT / dy एट y इक्वल 0 मुझे मिल रहा है इस x लोकेशन पर, इसकी कुछ वैल्यू होगी, कुछ भी वैल्यू होगी, इसको बोलते हैं हम लोग लोकल टेम्परेचर ग्रेडियंट. लोकल टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है, लोकल टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, ठीक है. अब ये टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है भाई? आपके पास ये जो प्रोफाइल दिख रही है, दैट इज योर टेम्परेचर प्रोफाइल, दैट इज योर टेम्परेचर प्रोफाइल. अब इस टेम्परेचर प्रोफाइल के बारे में अगर आपको समझना है तो जो आगे मैं बोलने वाला हूं उसको बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि बहुत शॉर्ट में मैं और एकदम एकदम एक्यूरेटली आपको बताने वाला हूं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई प्लेट होती है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई प्लेट होती है, इस पे जब कोई फ्लूड फ्लो होता है, ओके, लेट अस से आपके पास फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी थी फ्लूड की यूनफाइनाइट, तो जब वो इस प्लेट के कांटेक्ट में आता है, सो द वेरी फर्स्ट लेयर स्टिक्स टू द प्लेट इफ द फ्लूड इज फॉलोइंग द नो स्लिप कंडीशन. नो स्लिप कंडीशन के अकॉर्डिंग y इक्वल टू 0 पे जो फ्लूड की लेयर होगी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u इक्वल टू 0 हो जाएगी, और इसके कारण आपको देखने को मिलेगा एक लेयर बनती है आप लोगों की, दैट इज नोन एज बाउंड्री लेयर, जो आपने फ्लूड मैकेनिक्स में पढ़ी होगी. सो टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स यू मस्ट गो थ्रू द टॉपिक ऑफ बाउंड्री लेयर. ओके, बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं उतना डिटेल में नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि हम लोग को मेजरली हीट के साथ डील करना है, ना कि फ्लूड्स के साथ, ठीक है. तो फ्लूड मैकेनिक्स में आप लोग उस चीज को डिटेल में पढ़ोगे कभी भी, ठीक है. तो यू इनफाइनाइट जो है वो आपके पास फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, जब वो इस सर्फेस पे फ्लो हुआ तो बाउंड्री लेयर बनी, बाउंड्री लेयर लैमिनार, फिर ट्रांजिशनल, फिर उसके बाद टर्बुलेंट, इस तरह से तीन पार्ट में डिवाइडेड होगी, ठीक है. सो हो सकता है कि पूरे प्लेट पे लैमिनार फ्लो ही हो इंटायरली, या फिर अगर बहुत हाई वेलोसिटी से हो रहा है तो बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो प्लेट है वो टर्बुलेंट फ्लो में सब्जेक्टेड है, ऐसा आप बोल सकते हो, बट ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाते, जस्ट सुनना. आपके पास जो प्लेट है उस पे कोई फ्लूड फ्लो हुआ तो एक इस तरह से लेयर बनती है, ठीक है, एक लेयर बनती है जिसको हम बाउंड्री लेयर कहते हैं. नाउ दिस बाउंड्री लेयर इज डिफाइंड एज लोकस ऑफ सच पॉइंट जिस पे फ्लूड की वेलोसिटी u 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हो जाती है. तो ऐसे सारे पॉइंट जिस पे वेलोसिटी 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हो गई है, उनको ज्वाइन करने पे हमको एक ऐसा इमेजिनरी ऐसा लेयर मिलता है, इसको बोलते हैं बाउंड्री लेयर. तो यहां हम इसको बोलेंगे HBL, दैट इज हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर आपको बनती है. इसी तरह से आप लोगों को यहां पर हीट के केस में जब कोई फ्लूड किसी सरफेस पे फ्लो हो रहा है जिसका टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर लेट अस से यूनिफॉर्म सरफेस टेम्परेचर TS है, तो उस कंडीशन में यहां पर आप लोगों को दिखाई देगा एक ऐसा लेयर, ठीक है, एक ऐसा लेयर बनेगा. नाउ ये लेयर मिलेगा कैसे? ये लेयर ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे मिलेगा जिस पॉइंट पे टेम्परेचर ऑफ फ्लूड पार्टिकल टी 99% ऑफ द फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर टी इनफाइनाइट हो गया, ठीक है. तो जो यहाँ पर फ्लूड आ रहा है आपके पास, इसका जो टेम्परेचर है टी इनफाइनाइट है. अब देखो ये हुआ कैसे, इसको समझना बहुत आसान है. आपके पास सॉलिड सर्फेस है, लेट अस से आपका सॉलिड सर्फेस हॉट है, सॉलिड सर्फेस हॉट है तो ऑब्वियस सी बात है फ्लूड गर्म होगा, हीटिंग होगी, है ना. तो जैसे जैसे आप सर्फेस के पास पहुंचोगे आप देखोगे कि टेम्परेचर ऑफ फ्लूड ज्यादा है, जैसे जैसे दूर जाओगे देखोगे सर्फेस ऑफ जो फ्लूड का जो टेम्परेचर है वो कम है. तो वो फ्लूड पार्टिकल्स बच्चों जो इस सर्फेस के पास होंगे वो ऑब्वियस सी बात है गर्म होंगे, और जो इससे दूर होंगे वो ठंडे होंगे. तो जैसे जैसे मैं इस प्लेट से दूर जाऊंगा जो फ्लूड पार्टिकल्स हैं उनका टेम्परेचर क्लोज टू द फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर होता जाएगा, ठीक है. तो ऐसे पॉइंट जिस पॉइंट पे जो फ्लूड पार्टिकल टेम्परेचर 99 यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल टू द फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर हो जाएगा, ऐसे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने से मुझे एक लेयर मिलेगी, और बच्चों इस लेयर को बोलते हैं थर्मल बाउंड्री लेयर, TBL, थर्मल बाउंड्री लेयर बोलते हैं. अब जिस प्रकार एक हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर के अंदर आप लोगों को वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, दैट मींस यू एज अ फंक्शन ऑफ y मिलता है, दिस इज लेट अस से अ ग्राफ, ये आपका u एक्सिस हो गया, ये आपका y हो गया, y डायरेक्शन. तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि जैसे जैसे आप
जैसे जैसे आप वाई डायरेक्शन में यानी कि नॉर्मल टू द सरफेस जा रहे हो, आपका वेलोसिटी वेरी कर रहा है, यू एज अ फंक्शन ऑफ वाई आपको दिखाई देता है। वैसे ही यहां पर किसी लोकेशन पे अगर आप बात करोगे तो आप देख पाओगे कि टेम्परेचर जो है वो वाई डायरेक्शन में जाने पर इस पर्टिकुलर लोकेशन पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को टेम्परेचर प्रोफाइल मिलेगा। दिस इज वाई डायरेक्शन, लेट अस से दिस इज टेम्परेचर टी। सरफेस के पास बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा क्योंकि अभी हमारे हिसाब से तो टेम्परेचर हॉट सरफेस है, तो ये इस तरह से ये ऐसा आप लोग को प्रोफाइल देखने को मिली। ठीक है, ये आप लोग को प्रोफाइल देखने को मिली। तो इस जगह पर, इस लोकेशन पर जो आप लोगों का टेम्परेचर है टी, दैट इज 99% ऑफ द फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर। ये इस तरह से, तो ऐसे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे थर्मल बाउंड्री लेयर मिला। नाउ ये जो आप देख सकते हो कि अलग अलग एक्स लोकेशंस पे, जैसे आप यहां से बात करते हो, ये होता है एक्स इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं लीडिंग एज। इसको क्या बोलते हैं? लीडिंग एज, है ना। यहां भी एक्स इक्वल टू जीरो, तो लीडिंग एज से आप जैसे जैसे आगे जा रहे हो, वैसे वैसे थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। वैसे ही सिमिलरली आपका जो थिकनेस ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो इसके कारण आप जब मैथमेटिकली इसको पूरा एनालाइज करते हैं, अभी तो क्रैश कोर्स है तो हम लोग उतना डिटेल में एनालाइज नहीं कर पाएंगे, फुल कोर्स में हमारे पास सफिशियंट टाइम होता तो हम डील कर पाएंगे, बट अभी जितना मैं जरूरी आपको शॉर्ट में बताते जा रहा हूँ, सुनना। ये चीज तो समझ आ गई है ना कि टेम्परेचर जो है वो वेरी कर रहा है वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग। तो यहाँ पर हम लोगों को वेलोसिटी ग्रेडियंट्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे? टेम्परेचर ग्रेडियंट्स देखने को मिलेंगे। अलग अलग वाई लोकेशन पे जो टेम्परेचर ग्रेडियंट लिखा जाएगा, दैट इज डी टी बाई डी वाई, हम लोग जो यूज कर रहे हैं अभी तक के, दैट इज डी टी बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू जीरो। तो अलग अलग लोकेशन पर आप लोगों को यहाँ पर अलग अलग जो है वेलोसिटीज मिलेंगी अलोंग द वाई डायरेक्शन। वैसे ही यहां पर अलग अलग लोकेशन पे आपको अलग अलग टेम्परेचर मिलेगा अलोंग द वाई डायरेक्शन। नाउ यहां पर इस बाउंड्री लेयर को, यानी कि थर्मल बाउंड्री लेयर को ऐसे भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो, इसको ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हो, दिस इज टी एस माइनस टी डिवाइड बाई टी एस माइनस टी इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0.99. This is dimensionless temperature distribution. This is the dimensionless temperature distribution inside the thermal boundary layer. ऐसा भी इसको describe कर सकते हो, ठीक है? Now, ये जो thermal boundary layer है, ये चाहे बात करो hydrodynamic boundary layer की, generally जब आप इसको express करते हो, जैसे कि आप यहाँ इसको आप देखो कि फ्लूइड में u by u infinite लिखते हैं हम लोग, जैसे कि तो यहाँ पर जैसे कि कुछ इक्वेशन मिलता है, एग्जांपल के तौर पे आपको लिखता है 3/2 है ना y by del minus 1/2 y by del क्यूब, इस तरह के आपको इक्वेशन मिलते हैं। ये इक्वेशन एक लैमिनार बाउंड्री लेयर का इक्वेशन है ना, इस तरह के इक्वेशन आप लोग को देखने को मिलते हैं। सिमिलर फैशन में इसके लिए भी इक्वेशन लिखे जा सकते हैं, यहाँ पर बेटा जो डेल होता है, This del is the thickness of hydrodynamic boundary layer. यहाँ पर जो del है, this is thickness, okay, of hydrodynamic boundary layer, okay. अब thickness की अगर आप बात करो तो डायग्राम से दिख रहा है कि अलग अलग sections पे, यानी कि अलग अलग x की values पे del जो है वो अलग अलग है। सो थिकनेस ऑफ हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर इज डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशन। आप इसको हाइड्रोडायनामिक है बोल करके डेल एच भी लिख सकते हो। सो थिकनेस ऑफ हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर एंड दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स। अलग अलग एक्स पे अलग अलग इसकी लोकेशन होगी। सिमिलरली यहां पर भी वैसा ही होगा। यहां पर भी जैसे इक्वेशन लिखता हूं मैं, तो इस तरह से एक इक्वेशन लिख दिया, जैसे कि टी माइनस ts minus t divided by ts minus t infinite is equal to same, ऐसा इस तरह से लिख दिया मैं कुछ, ठीक है, just एक random thought है, ये हो जाएगा आपके पास ऐसा। Now यहाँ पर जो del t लिखा हूं मैं, this del t is the thickness of thermal boundary layer, जो thermal boundary layer है इसकी कुछ thickness होगी अलग अलग locations पे, तो del t is the thickness of thermal boundary layer। del t क्या है आपका? del t जो है That is your thickness of thermal boundary layer, and this is also function of x। तो यहां से एक चीज आप समझना, ये जो dimensionless velocity distribution या dimensionless temperature distribution जो आपको दिख रहा है,
इट में लुक के ओके वाई के साथ वेरी कर रहा है, लेकिन एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि यहाँ ये एक्स के साथ वेरी भी कर रहा है। तो अलग अलग एक्स लोकेशंस पे, अलग अलग एक्स लोकेशंस पे आपको इक्वेशन तो सेम मिलेगा, लेकिन अलग अलग एक्स लोकेशंस पर आप लोगों को अलग अलग वेलोसिटी ग्रेडियंट, अलग अलग टेम्परेचर ग्रेडियंट मिलने वाला है। आई बात समझ में? सो दैट इज वाई इसको अगर आप देखोगे ना, ये क्या बोल रहा है, ये एक्स का फंक्शन है, ऑब्वियस सी बात है एक्स का फंक्शन है ये। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करके dt by dy निकालना चाहोगे, अगर जैसे कि आप dt by dy निकालना चाहोगे at y equal to 0 इस इक्वेशन से, या और कुछ भी इक्वेशन दिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि ये इक्वेशन, कुछ भी इक्वेशन दिया जा सकता है जो भी फिजिबल होगा, तो वो इक्वेशन का अगर आप स्लोप निकालते हो at y equal to 0, तो आप देख पाओगे अलग अलग एक्स लोकेशन पे इसकी वैल्यू अलग अलग मिलने वाली होगी। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज लोकल टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो dt by dy at y equal to 0 कभी भी आपके पूरे प्लेट के लिए एक समान नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर आप यहां पर du by dy भी निकालते हो at y equal to 0, तो ये भी पूरी प्लेट के लिए एक जैसा नहीं मिल सकता। तो ये भी फंक्शन ऑफ x होगा बेसिकली, और ये भी फंक्शन ऑफ x होगा। अलग अलग x लोकेशंस पे बच्चों, जो आप लोग को ये du by dy मिलेगा at y equal to 0, अलग अलग मिलेगा dt by dy at y equal to 0, हर एक x लोकेशन पे अलग अलग होगा। सो जब भी कोई चीज लोकेशन पे डिपेंड करती है, हम उसको लोकल नाम देते हैं। लोकल, उसके नाम क्या है, लोकल प्रीफिक्स लगा देते हैं। तो ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है dt by dy, दिस इज योर लोकल टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहीं से डिस्क्राइब किया जाता है आपका नसेल्ट नंबर। नसेल्ट नंबर डिस्क्राइब किया जाएगा कुछ इस तरह से, nux दैट इज लोकल नसेल्ट नंबर will be equal to the local temperature gradient dt by dy at y equal to 0 divided by the overall temperature gradient which is given as ts minus t infinite divided by lc। यहाँ lc जो है that is characteristic length, और ये कहीं से भी वो जो हमने previously unstudied state में पढ़ा हुआ है volume on surface area, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अलग तरीके से describe होगी। okay, lc क्या आपके पास characteristic लेंथ है आपके पास एलसी, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है। ओके, तो यहां से आप लोग नसेल्ट नंबर को डिस्क्राइब करते हो फॉर एनी प्रॉब्लम, चाहे वो फोर्स का हो, चाहे वो फ्री कन्वेक्शन का हो। ठीक है, चाहे फोर्स कन्वेक्शन का हो, चाहे फ्री कन्वेक्शन का हो। नाउ बात करते हैं फोर्स कन्वेक्शन की। तो जो फोर्स कन्वेक्शन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन गेट में वहीं से आते हैं। फ्री में आपको लगभग ना के बराबर क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ही कम क्वेश्चन वहां पर फ्री में कन्वेक्शन में आप लोग को देखने को मिलेंगे, पर बात दोनों की करेंगे, लेकिन मेजर पोर्शन हमारा जो होगा वो फोर्स वाला होगा। ठीक है, सो लोकल नसेल्ट नंबर समझ आ गया आप लोग को, दैट इज nux इक्वल टू माइनस dt by dy at y इक्वल टू 0 डिवाइड बाय ds माइनस ts माइनस t इनफिनिट अपॉन lc। सो दिस इज योर लोकल temperature gradient and this is your overall heat transfer coefficient, overall temperature gradient. Okay, so nux आपके पास होता है local temperature gradient, okay, local temperature gradient divided by the overall okay temperature gradient, overall temperature gradient. Okay, this is the definition of the लोकल नसेल्ट नंबर। लोकल नसेल्ट नंबर के हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, एंड द नसेल्ट नंबर इन टर्म्स ऑफ द लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज गिवन एज एच एक्स इंटू एल सी बाई के। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके कभी भी एच एक्स आप लोग बता सकते हो। नाउ फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, फॉर डिफरेंट फ्लो कंडीशंस, we will be having different correlations, है ना, कुछ आपके पास correlations होंगे nux के, that is your local Nusselt number, और उसके हेल्प से हम लोग local जो heat transfer coefficient है उसको निकाल लेंगे। Now अगर हम लोग local heat transfer coefficient निकाल लिए, तो हम लोग average भी निकाल सकते हैं, formula आपके पास है। So अगर आपके पास average heat transfer coefficient आ जाता है, तो आप लिख सकते हो average Nusselt number, average Nusselt number क्या हो जाएगा, average Nusselt number जो हो जाएगा that will be based on the average heat transfer coefficient, बहुत आसान है ना, nu bar लिख सकते हो, nu l लिख सकते हो, ठीक है, और सिंपल आप चाहो तो nu भी लिख सकते हो, this will be h into lc by k, ये हो जाएगा आपके पास एवरेज नसेल्ट नंबर किसी भी सिचुएशन का, किसी भी सिचुएशन का एवरेज नसेल्ट नंबर इस तरह से होगा। सो फॉर लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वी विल बी यूजिंग लोकल नसेल्ट नंबर, और अगर हमारे पास एवरेज नसेल्ट नंबर का कोरिलेशन है, कुछ फॉर्मूला वगैरह अगर हमारे पास दे रखा है,
तो बेटा उससे डायरेक्टली क्या निकाला जा सकता है, अगर के पता है, एलसी पता है, डायरेक्टली एच निकाला जा सकता है, दैट इज एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकाला जा सकता है। जैसे ही एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आया, आप फिर वहां से एवरेज हीट, आप वहां से पूरा जो प्लेट है या कोई भी दूसरा जो सरफेस है उसके जो हीट ट्रांसफर रेट है वो वहां पर से बता पाओ, ठीक है। और ये जो चीजें मैं डिस्कस किया, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ फोर्स एंड फ्री कन्वेक्शन है, दोनों जगह ये चीजें सेम टू सेम है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ डिफाइन डिफरेंट तरह से की जाएगी। तो ये तो एक ओवरऑल पिक्चर हुआ कि कन्वेक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो कन्वेक्शन कैसे हो रहा होगा, एक बार मैं समराइज करता हूँ आपके पास। जब डिफरेंट मीडियम में हो रहा होगा हीट ट्रांसफर, तो कन्वेक्शन वहां पर आ रहा होगा। फिर मैंने आपको हीट फ्लक्स के बारे में बताया, लोकल हीट फ्लक्स और लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट के बारे में बताया। फिर आपको मैंने यहाँ पर नसेल नंबर इंट्रोड्यूस किया, जिससे मैंने सबसे पहले आपको बताया कि लोकल टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है कुछ भी, ठीक है, कुछ भी अगर आप लोग को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम जाएगी, तो वो सिर्फ इसलिए जाएगी क्योंकि आपने शायद बाउंड्री लेयर थ्योरी नहीं पढ़ी होगी। इफ आप लोग का बाउंड्री लेयर थ्योरी स्ट्रांग है, तभी कन्वेक्शन में हाथ डालना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज आपके पूरे दिमाग का फ्यूज हो जाएगा पूरा, समझ रहे हो। तो पहले बाउंड्री लेयर थ्योरी कहीं से कवर करो, उसके बाद आप इस पोर्शन में इंटर करोगे तो आपको चीजें आसान लगेगी, अदरवाइज आप लोगों को पूरा पूरा कंसेप्ट कभी भी समझ नहीं आ पाए। कुछ कुछ चीजें समझ आएंगी, कुछ कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी। सो बाउंड्री लेयर थ्योरी फॉर दिस पोर्शन ऑफ द कन्वेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ तो ये हुआ पूरा नसेल्ट नंबर। अब बात करते हैं कि भाई फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है, फ्री कन्वेक्शन क्या होता है। तो फोर्स कन्वेक्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आप फोर्सफुली फ्लूइड्स को फ्लो करवा रहे होगे, यानी कि बल्क मोशन आपके एफर्ट के कारण हो रहा होगा, आप कुछ पंप वगैरह लगाए होंगे जिसके कारण बल्क मोशन हो रहा होगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहां पर हमको देखना है कि इस फोर्स कन्वेक्शन में हो क्या रहा है एक्चुअली। तो हो ये रहा है, पहली बात, बल्क मोशन, क्योंकि आप फोर्सफुली दे रहे हो, दैट्स व्हाई टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर प्रोमिनेंट इन दिस कंडीशन, दैट इज इनर्शिया फोर्सेस एंड विस्कस फोर्सेस। इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स विल बी प्रोमिनेंट क्योंकि आप इसको जबरदस्ती फ्लो करवा रहे हो, ठीक है। सो इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स को रिलेट करने वाला जो डायमेंशनलेस नंबर है, दैट इज योर रेनॉल्ड नंबर, ठीक है, दैट इज योर रेनॉल्ड नंबर। नाउ आप देख रहे हो कि फ्लूड फ्लो हो रहा है, तो एक हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर बन रही है, ठीक है, एक हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर बन रही है, और आप देख पा रहे हो कि टेम्परेचर ग्रेडियंट्स दिख रहे हैं, और उसके कारण आप लोगों को समझ आया कि एक और लेयर भी है, दैट इज योर थर्मल बाउंड्री लेयर। तो ये दो सिचुएशन यहां पर आ गई, एक तो यहां पर आपको एक लेयर दिख रही है विच इज हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, दूसरा लेयर आप लोगों को है थर्मल बाउंड्री लेयर। तो यहां पर फ्लूड में मोशन भी हो रहा है, ठीक है, फ्लूड में जब मोशन हो रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा होगा, मोशन यहां पर हो रहा है फ्लूड के लेयर्स में। दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा यहां पर जो हीट है सॉलिड सरफेस से, ठीक है, सॉलिड सरफेस से वो लिक्विड में या गैस में, दैट इज योर फ्लूड में डिफ्यूज हो रही, फैल रही है। तो दो चीजें यहां पर आप लोग को देखने को मिल रही है, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो द रेशियो ऑफ मोमेंटम डिफ्यूजिविटी एंड द थर्मल डिफ्यूजिविटी इज नोन एज अनदर डायमेंशनलेस नंबर विच इज प्रांडल नंबर, विल कम इन टू द पिक्चर, ठीक है। सो नसेल्ट नंबर इन केस ऑफ फोर्स कन्वेक्शन विल बी डिपेंडिंग ऑन दीज टू। सो फॉर फोर्स कन्वेक्शन बोलेंगे बच्चों, फॉर फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या बोल सकते हैं हम, बोल सकते हैं फॉर फोर्स कन्वेक्शन, फॉर फोर्स कन्वेक्शन हम बोल सकते हैं कि जो नसेल्ट नंबर होगा दैट विल बी फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड प्रांडल नंबर। जो रेनॉल्ड नंबर होता है, रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू व्हाट, इनर्शिया फोर्स ओके डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स एंड दिस इज गिवन एज ओके रो वी इंटू एल सी बाई म्यू, ठीक है, ये होता है। v आपके पास वेलोसिटी है, pr दैट इज प्रांडल नंबर, प्रांडल नंबर होता है आपके पास मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, ओके, डिवाइडेड बाय द थर्मल डिफ्यूजिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो ये होता है आपके पास न्यू बाय अल्फा, new that is your kinematic viscosity which represents your momentum diffusivity and thermal diffusivity that is your alpha, theek hai। to yahan se ye ho jata hai mu into cp by k। now mu fluid ki property hai, absolute viscosity or you can say dynamic viscosity, cp specific heat wo bhi fluid ki property hai, thermal conductivity k wo bhi fluid ki property hai।
तो ये तीनों जो है फ्लूड की प्रॉपर्टीज है। सो द प्रांडल नंबर इज रेशियो ऑफ ऑल दी प्रॉपर्टीज, दैट फॉर प्रांडल नंबर एक ऐसा डायमेंशनलेस नंबर है जो कि प्रॉपर्टी है किसी फ्लूड की। ओके, सो प्रांडल नंबर इज प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूड। ये प्रॉपर्टी हो गई भाई, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी, जस्ट लाइक थर्मल कंडक्टिविटी, डायनेमिक विस्कोसिटी एंड स्पेसिफिक हीट, ये भी क्या है, एक तरह से प्रॉपर्टी बन गई क्योंकि सभी चीज का रेशियो, बट दिस इज डायमेंशनलेस, ठीक है। तो फोर्स कन्वेक्शन में जो नसेल्ट नंबर होगा दैट इज फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड द प्रांडल नंबर। नाउ एज यू कैन सी दैट द प्रांडल नंबर इज रिलेटिंग द मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, ओके, व्हिच बिलोंग्स टू द हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर, एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी व्हिच बिलोंग्स टू द थर्मल बाउंड्री लेयर। सो हियर वी कैन सी अ ब्रिज बिटवीन द हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर HBL एंड द थर्मल बाउंड्री लेयर दैट इज TBL। तो प्रांडल नंबर के हेल्प से हम लोग जो थिकनेस ऑफ हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर एंड थर्मल बाउंड्री लेयर को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो रिलेशन देखते हैं इसका, so, लिखते हैं यहां से डेल एच दैट इज थिकनेस ऑफ द हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर एट एनी सेक्शन डिवाइड बाई थिकनेस ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर डेल टी एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू PR रेस्ट टू पावर n, PR to power n, ऐसा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं PR to power n, और क्या लिख सकते हैं इसको, PR to power, okay, 1/3, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। So यहाँ से अगर आप लोगों का प्रांडल नंबर जो है, if prandtl number is greater than 1, अगर प्रांडल नंबर greater than 1 होगा तो ये वाला जो साइड है that will be greater than one. तो इसका मतलब क्या होगा, जो हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर है that is thicker than the thermal boundary layer, ठीक है, ये मिल जाएगा। अगर मान लीजिए प्रांडल नंबर जो है वो लेस देन वन आया तो ये वाला टर्म जो हो जाएगा पूरा वो लेस देन वन हो जाएगा। आई बात समझ में, क्या लेस देन वन हो जाएगा, तो लेस देन वन होने पर क्या हो जाएगा, ये जो लेस देन वन हो गया अगर आप लोगों के पास, तो उस कंडीशन में हमारा जो थिकनेस ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर है विल बी मोर एज कंपेयर टू द हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर। और अगर मान लीजिए प्रांडल नंबर आपके पास इक्वल टू 1 हो गया तो यहां पर डेल एच इज इक्वल टू डेल टी हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। सो फ्रॉम द प्रांडल नंबर वी कैन रिलेट द थिकनेस ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर एंड द थिकनेस ऑफ द हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर, ठीक है। सो यहां से डिफरेंट कोरिलेशंस आप लोग को देखने को मिलते हैं फोर्स कन्वेक्शन में, और जो भी कोरिलेशन होगा उसके हेल्प से आप लोग इजिली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे फोर्स कन्वेक्शन के लिए, ठीक है ना। फोर्स कन्वेक्शन में भी दो तरह के प्रॉब्लम होंगे, एक होगा एक्सटर्नल फ्लोस के लिए जिसमें आप प्लेट की बात करोगे, एक इंटरनल फ्लो का प्रॉब्लम होगा जिसमें आप लोग पाइप की बात करोगे, ठीक है। अब जैसे एक्सटर्नल फ्लो देखते हैं तो एक्सटर्नल फ्लो में जो बात कर रहा था मैं, जैसे कि प्लेट की है ना, प्लेट की बात करते हैं तो प्लेट के केस में जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होता है दैट इज इक्वल टू द डायमेंशन अलोंग द फ्लूड फ्लो, ठीक है, फ्लूड फ्लो, ये आपके पास होता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। तो जैसे कि आपके पास कोई प्लेट इस तरह से दे दी गई है, ये आपके पास प्लेट है लेट अस से, ठीक है, ये आपके पास प्लेट है। अब नाउ यहां पर इस तरह से सपोज इस डायरेक्शन में फ्लूड फ्लो रहा है एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द प्लेट, ये एल है ना, और ये है विड्थ आपके पास बी। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर फ्लूड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लूड फ्लो, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लूड फ्लो के अलोंग डायमेंशन कौन सा है, एल है, तो एल विल बी इक्वल टू द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ एल सी, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा फ्लो होने लग गया फ्लूड तो विड्थ के अलोंग फ्लो हो रहा है, सो यहां पर बी विल बी इक्वल टू एल सी, ठीक है। तो LC यानी कि कैरेक्टरिस्टिक लेंथ यहां प्लेट के केस में इस तरह से डिस्क्राइब होता है, सेम वे में पाइप में डिस्क्राइब नहीं होगा, ठीक है, देयर विल बी सम डिफरेंट क्राइटेरिया, वो बताऊंगा मैं, ठीक है। सो इस तरह से LC डिस्क्राइब हो गया। नाउ यहां पर आप देख पाओगे कि जैसे-जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं रेनॉल्ड नंबर इज चेंजिंग। तो आप लोग देख पाओगे यहां पर प्लेट के केस में आप लोगों को देखने को मिलेगा इस तरह से, अगर एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर आप लोग किसी फ्लो को ऑब्जर्व कर रहे हो लाइक दिस, देयर इज अ प्लेट, ओके, तो उस कंडीशन में दिस इज x इक्वल टू 0, दैट इज योर लीडिंग एज, करेक्ट, दिस इज लीडिंग एज, और इस तरह से बाउंड्री लेयर बनेगी, ठीक है।
तो स्टार्टिंग में देर विल बी लोअर वैल्यूज ऑफ रेनॉल्ड नंबर, सो स्टार्टिंग ऑफ कुछ स्टार्टिंग की लेंथ में आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो फ्लो है वो लैमिनार है, उसका रेनॉल्ड नंबर बढ़ते बढ़ते एकदम ज्यादा हो जाएगा, क्रिटिकल वैल्यू पे पहुंच जाएगा। क्रिटिकल वैल्यू वो पॉइंट होता है, वो वैल्यू थी रेनॉल्ड नंबर की, जिसके बाद फ्लो में ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि लैमिनार टू टर्बुलेंट कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, ट्रांजिशनल फ्लो देखने को मिलेगा, ठीक है। हालांकि ट्रांजिशनल फ्लो वाले जोन को हम लोग अवॉइड कर देते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जनरली, ठीक है। और उसके बाद फिर टर्बुलेंट फ्लो का जोन आ जाएगा। तो कुछ लेंथ तक का आपको फ्लो क्या दिखेगा, लेमिनार दिखेगा, उसके बाद ट्रांजिशन होगा, ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, उसके बाद टर्बुलेंस आ जाएगा। तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा इसके बाद। तो यानी कि आगे बढ़ने पर आपका रेनॉल्ड नंबर जो है वो इंक्रीज होते जाता है। सो आरई जो होगा वो अलग अलग एक्स लोकेशंस पर अलग अलग होगा। सो आर ई एक्स लिखते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं लोकल रेनॉल्ड नंबर, लोकल रेनॉल्ड नंबर बोलते हैं। एक बार अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग होगा। ये दिया जाता है एस रो इनटू यू इनफाइनाइट। यू इनफाइनाइट क्या होगा, यू इनफाइनाइट आपके प्लेट के ऊपर जो फ्लूइड फ्लो रहा है उसकी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है। यू इनफाइनाइट दिस इज योर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इनटू एक्स बाय म्यू, और ऐसा लिख सकते हो u इनफाइनाइट इनटू x बाय न्यू, ऐसा भी लिख सकते हो। तो x डायरेक्शन मैंने कि x के अलोंग फ्लो हो रहा है, x डायरेक्शन की लेंथ भी हो सकता है, ये विड्थ भी हो सकता है, वो चीज मैंने आपको पहले ही बता दी। हो सकता है कि ये जो फ्लो हो रहा है वो लेंथ के अलोंग हो, ठीक है। तो ये x इक्वल टू 0 जाएगा, इस तरफ x इक्वल टू l आ जाएगा कहीं पर। अगर मान लीजिए विड्थ के अलोंग हो रहा होगा तो यहां पर x इक्वल टू 0 आ जाएगा, इधर x इक्वल टू b आ जाएगा, ऐसा, ठीक है। सो किसी भी x लोकेशन पर बात करें रेनॉल्ड नंबर का, तो यहां से यहां तक जैसे कि मैं बात कर रहा हूं सपोज 1 मीटर, तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1, तो x वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो 1 मीटर पे यहां पर रेनॉल्ड नंबर कितना है मुझे निकालना है, तो यहां x इक्वल टू 1 पुट कर दूंगा, तो इस लोकेशन पर रेनॉल्ड नंबर कितना है वो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज लोकल रेनॉल्ड नंबर। नाउ इफ लोकल रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 5 × 10⁵, द फ्लो ओवर दैट लेंथ विल बी लैमिनार, ठीक है। सो आर ई एक्स लेस देन आर ई सी आर, आर ई सी आर, ओके, दैट इज इक्वल टू 5 × 10⁵ फॉर फ्लैट प्लेट, है ना। अगर ये है तो फ्लो कैसा होगा, फ्लो अप टू दैट लेंथ क्या होगा, लैमिनार होगा। तो यहां से, ठीक है, यहां से क्या बोल सकते हैं, यहां से फ्लो विल बी लैमिनार। नाउ यहां से कई प्रॉब्लम आपने बनाए होंगे फ्लूड में, क्या, जैसे मान लीजिए मुझे जानना है कि किस लेंथ तक के फ्लो लैमिनार है। सो मैं क्या कर दूंगा, ओके, पुट आर ई एक्स इक्वल टू 5 × 10⁵, तो ये हो जाएगा रो यू इनफाइनाइट इंटू एक्स बाई mu is equal to 5 × 10⁵, ये हो जाएगा क्या। यहां से सॉल्व करोगे तो आपको x, इसको xc लिख देते हैं, क्रिटिकल पॉइंट जिसके बाद क्या हो जा रहा है, ट्रांजिशन हो जा रहा है, तो यहां से xc मिलेगा। सो अप टू दिस xc, लेट अस से मैं इसको नेगलेक्ट कर दूं, तो यहीं पर ऐसा कुछ xc लिख देता हूं, यहां से xc डिस्टेंस तक के जो फ्लो रहता है वो लैमिनार रहता है, उसके बाद क्या हो जाता है, हम मान लेते हैं न्यूमेरिकली कि टर्बुलेंट हो जा रहा है। ट्रांजिशन जोन को हम लोग न्यूमेरिकल से जनरली स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का, यहां से आप बता सकते हो कि किस डिस्टेंस तक के फ्लो कैसा है, लैमिनार है। तो इन मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम ये जो फ्लो होता है ओवर अ फ्लैट प्लेट लैमिनार प्लस टर्बुलेंट होता है इन एक्चुअल प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि जो लेंथ है आपके पास, इफ अगर जो लेंथ या विड्थ जो भी कह लीजिए, अगर एल लेस है एक्ससी से, तो हमेशा उसमें क्या होगा, ऑब्वियसली बात है उसमें हमेशा लैमिनार फ्लो ही मिलेगा। लेकिन अगर प्लेट बहुत लंबी है, यानी कि एल अगर मान लीजिए बड़ा है एक्ससी से, तो उसमें कुछ डिस्टेंस तक के लैमिनार, फिर ट्रांजिशन, उसके बाद फिर टर्बुलेंट, यानी कि लैमिनार प्लस टर्बुलेंट फ्लो वहां पर आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। एंड लेट अस से कि फ्लूइड भयंकर तेज गति से आ रहा है, यू इनफाइनाइट भयंकर ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर मान लीजिए यू इनफाइनाइट बहुत ज्यादा है, तो आप देख सकते हो अगर यू इनफाइनाइट बहुत ज्यादा होगा तो ये एक्स बहुत छोटा मिलेगा, यानी कि जो लैमिनार वाली जो लेंथ होगी वो बहुत ही स्मॉल होगी। तो ऐसे केस में जो जोन है लैमिनार फ्लो का, जो जोन है वो बहुत छोटा है, दैट्स वाई हम फ्लो में लैमिनार जोन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर बहुत हाई वेलोसिटी से फ्लूड आ रहा है, और मान सकते हैं कि पूरा का पूरा फ्लूड फ्लो कैसा है, टर्बुलेंट है, ठीक है।
आई बात समझ में? नाउ जहां तक फ्लूइड फ्लो लैमिनार रहता है वहां पर जो भी बाउंड्री लेयर होगी उसको लैमिनार बाउंड्री लेयर कहेंगे, जहां पर टर्बुलेंट फ्लो देखने को मिलता है वहां पर जो भी बाउंड्री लेयर कहलाएंगे उसको हम लोग टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर कहेंगे, बस ये रहता है। तो एक्सटर्नल फ्लोज में आप लोगों को ये चीज देखने को मिलती है, क्लियर बात है? एक्सटर्नल फ्लोज में आप लोगों को ये चीज देखने को मिलती है, लैमिनार फ्लो होता है आप लोगों का, टर्बुलेंट फ्लो होता है, रेनॉल्ड नंबर इस तरह से वहां पर हम लोग निकालते हैं, ठीक है? तो क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू याद रखनी है 5×10⁵। आप लोगों को पता होना चाहिए कि लोकल रेनॉल्ड नंबर क्या होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन तक हम लोग बात करेंगे, अगर टोटल एल लेंथ तक बात करना है तो आपका आर ई एल ऐसा लिखते हैं। आर ई एल क्या हो जाएगा, जैसे कि स्पेट प्लेट की लेंथ कितनी है, एक्स इक्वल टू एल तक है, तो जाएगा रो यू इनफाइनाइट इंटू एल बाई म्यू, ये आपके पास आर ई एल हो जाएगा, पक्की बात है। सो नाउ यहां पर फॉर अ फ्लो ओवर प्लेट, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो कि रेनॉल्ड नंबर क्या है और किस तरह से जो बाउंड्री लेयर है वो वेरी करती है फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट, ठीक है। नाउ इस दौरान आप देख सकते हो यहां पर जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस तरह से लैमिनार जोन में पैराबोलिक होगा और टर्बुलेंट जोन में लॉगरिथमिक होगा, इस तरह से टर्बुलेंट जोन में लॉगरिथमिक होगा। इसमें लैमिनार एक सब लेयर भी बनेगी, एक सब लेयर भी होगी यहां पर, ओके, एक सब लेयर भी होगी, ठीक है। नाउ ये चीजें तो हो गई, अब हम लोगों को समझ आया, यहां पर हम लोगों को समझ आया जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया था, जैसे कि मैं एक आपको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखता हूं, u बाई यू इनफाइनाइट इज इक्वल टू लिखा था 3/2 y बाई डेल, ओके, डेल h इंटू -1/2 y बाई डेल क्यूब, इस तरह से मैंने लिखा था। तो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग वेलोसिटी ग्रेडियंट आप लोगों को मिलेंगे, मैंने बोला था ये चीज, करेक्ट बात है। तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर आप एक एलिमेंट लेते हो, लेट अस एक dx एलिमेंट आप लेते हो x डिस्टेंस पे फ्रॉम द लीडिंग एज, ओके, तो यहां पर जो वेलोसिटी प्रोफाइल है तो इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल रहा है आप लोगों को, दिस इज y डायरेक्शन, दिस इज u, ओके, तो यहां पर आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल रहा है du by dy at y equal to 0 कुछ मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये आप लोगों को कुछ मिल रहा है। तो इस लोकेशन पे अगर मान लो कि जो फ्लूड है वो न्यूटोनियन है, तो फॉर न्यूटोनियन है ना, फॉर एकदम आसान है ना बेटा, बहुत आसान है, फॉर न्यूटोनियन फ्लूड क्या बोल सकते हैं भैया, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू जीरो, सो दिस इज लेट अस ए टाउ नॉट। तो ये खुद क्या है, ये तो अलग अलग एक्स पे अलग अलग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा, अलग अलग लोकेशन पे इसकी वैल्यू अलग अलग हो जाएगी ना भाई, जब यही वैरी, ये तो चलो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, ये तो लोकेशन पे वैरी कर रहा है, तो फिर ये भी लोकेशन पे वैरी करने लग जाएगा। तो ये क्या है, दिस इज योर शियर स्ट्रेस और वॉल शियर स्ट्रेस, बट ये भी लोकेशन टू लोकेशन वैरी कर रहा है। मैंने क्या सिखाया था, जो भी लोकेशन टू लोकेशन वैरी करेगा उसके नाम के आगे हम लोग एक प्रीफिक्स लगाएंगे लोकल, तो इसको बोलेंगे लोकल वॉल शियर स्ट्रेस, लोकल वॉल शियर स्ट्रेस, लोकल वॉल शियर स्ट्रेस, ठीक है, लोकल वॉल शियर स्ट्रेस हम लोग यहाँ पर इसको बोलेंगे, ठीक है, लोकल वॉल शियर स्ट्रेस इसको बोलेंगे। सो लोकल वॉल शियर स्ट्रेस हम लोगों को मिल गया यहाँ से फॉर न्यूटोनियन फ्लूड म्यू डी यू बाई डी वाई इक्वल टू जीरो। तो इस लोकेशन पे जो शियर स्ट्रेस है, इस पे जो शियर स्ट्रेस है दैट इज टाउ नॉट, ठीक है, टाउ नॉट इस लोकेशन पे शियर स्ट्रेस है, ठीक है। तो अगर प्लेट की विड्थ मान लीजिए आपके पास बी है, तो यहां पर जो एलिमेंटल स्ट्रिप होगी प्लेट पे इस तरह से, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसको हम लोग फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा आप लोगों का इस तरह से प्लेट जो है, ओके, ये इस तरह से, तो इस तरह से जो एलिमेंट मैंने लिया है dx लेंथ का, दिस इज dx एट x डिस्टेंस लिया था, ओके, तो इस जिसपे फ्लूइड फ्लो रहा है इसका एरिया कितना हो जाएगा, दिस विल बी bdx, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, dA इक्वल टू bdx हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर शियर स्ट्रेस कितना है, लोकल शियर स्ट्रेस टाउ नॉट है, तो इस जगह जो शियर फोर्स मिल रहा होगा दैट इज ऑल्सो नोन एज द स्किन ड्रैग फोर्स। तो इस लोकेशन पे जितना मिल रहा होगा dFs, ओके, दिस विल बी टाउ नॉट इनटू bdx, ओके, तो इस पूरे के पूरे सरफेस पे जो मुझे टोटल स्किन ड्रैग फोर्स या स्किन फ्रिक्शन फोर्स जो मुझे मिल रहा है वो कितना हो जाएगा, Fs इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू L tau not into bdx, करेक्ट बात है क्या, ये इसके सरफेस पे इतना आपको फोर्स मिलेगा, दिस इज योर टोटल स्किन ड्रैग फोर्स, स्किन ड्रैग फोर्स यही होगा,
है ना भाई। अरे भाई इस लोकेशन पे टाउ नॉट इतना मिला, टाउ नॉट क्या शेयर स्ट्रेस है, इनटू एरिया कर दूंगा तो शेयर फोर्स आ जाएगा। शेयर फोर्स इसको ही बोल रहा हूँ स्किन ड्रैग फोर्स, ठीक है स्किन ड्रैग फोर्स बोल रहा हूँ। और इस लोकेशन पे इतना मिला इस एलिमेंट पे, टोटल प्लेट एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर के एक्स इक्वल टू एल तक है, तो बड़े आराम से ही आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां से ये क्यों बताया मैं, यहां पर बात करनी है हम लोगों को कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन या फैनिंग फ्रिक्शन कोफिशियंट बोलते हैं या कोफिशियंट ऑफ ड्रैग बोलते हैं, कोफिशियंट ऑफ ड्रैग बेसिकली ये स्किन ड्रैग का कोफिशियंट है, ओके कोफिशियंट ऑफ ड्रैग लिखते हैं हम लोग, ठीक है कोफिशियंट ऑफ ड्रैग। तो इसका एक फंडामेंटल डेफिनेशन ये होता है, दैट इज शियर स्ट्रेस ओके डिवाइडेड बाय डायनामिक प्रेशर, ठीक है। अब देखो तो हमारे पास पहले क्या है, लोकल शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो लोकल शियर स्ट्रेस, ओके लोकल शियर स्ट्रेस दैट इज टाउ नॉट डिवाइडेड बाय डायनामिक प्रेशर। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है हाफ रो यू इनफाइनाइट स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका लोकल कोफिशियंट ऑफ ड्रैग, ये क्या बनेगा लोकल कोफिशियंट ऑफ ड्रैग। और ये याद रखना स्किन ड्रैग होता है, ठीक है, या लोकल फ्रिक्शन फैक्टर लिखूंगा इसको CFX, फ्रिक्शन फैक्टर भी बोल सकते हैं CFX, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं एवरेज शियर स्ट्रेस की वैल्यू ले लूं तो मुझे उसके बेसिस पे मिल जाएगा एवरेज कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। अब एवरेज शियर स्ट्रेस मैं कैसे निकाल सकता हूं, अरे भाई मेरे को पता है कि इतना यहां पर शियर फोर्स, तो टोटल शियर फोर्स है बेसिकली तरह से, दिस इज योर स्किन फ्रिक्शन फोर्स या स्किन ड्रैग फोर्स, इतना आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, बेस्ड ऑन द लोकल शियर स्ट्रेस। नाउ लेट अस से टाउ एवरेज कोई शियर स्ट्रेस है सच दैट कि अगर मैं इसमें एरिया ऑफ द प्लेट विच इज बी इंटू एल मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे जो शियर फोर्स यानी कि स्किन ड्रैग फोर्स की जो वैल्यू है वो मिल जाती है। सो टाउ एवरेज इज डिस्क्राइब इन सच अ वे कि यहां से जो मुझे शियर स्ट्रेस मिलता है एक एवरेज वैल्यू ऑफ शियर, यहां से जो मुझे शियर फोर्स मिलता है उतना ही शियर फोर्स मुझे इस वाले फॉर्मूले से भी मिलता है, यानी कि उतना ही फ्रिक्शन फोर्स मुझे इस वाले फॉर्मूले से भी मिलता है, ठीक है। सो टाउ एवरेज इज द एवरेज शियर स्ट्रेस फॉर द प्लेट सच दैट इफ वी कैलकुलेट द स्किन फ्रिक्शन फोर्स और स्किन ड्रैग फोर्स बेस्ड ऑन दिस वैल्यू वी विल बी हैविंग द वैल्यू सेम एज दैट ऑफ द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। इस वैल्यू के बेस पे, टाउ की इस वैल्यू के बेस पे अगर मैं एफएस कैलकुलेट करूं थ्रू दिस फॉर्मूला सो आई विल बी हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ स्किन फ्रिक्शन फोर्स एज दैट ऑफ द एक्चुअल वैल्यू, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो यहां से फिर लिख सकता हूं टाउ एवरेज इज इक्वल टू एफएस, बी इनटू एल क्या है एरिया है, ठीक है। तो यहां से लिख दिया मैं सीएफ बार और सीएफएल लिखते हैं, दिस इज योर एवरेज कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, कोफिशिएंट of drag or friction you can say, this will be tau average which is fs by area, so half rho u infinite square into a, this is your cf, ठीक है। नाउ मैं ये क्यों बताया, ये इसलिए बताया क्योंकि एक जनरल रिलेशन है जो आपको याद रहना चाहिए फॉर दी फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट्स, बाकी तो कोरिलेशंस आपको दिया होता है, दैट इज नोन एज द कॉलबर्न एनालॉजी। कॉलबर्न एनालॉजी आप लोग को याद रहने चाहिए, व्हाट इज कॉलबर्न एनालॉजी, कॉलबर्न एनालॉजी वो एनालॉजी है जिसके हेल्प से आप लोग किसी भी एक्सटर्नल फ्लो के लिए या इंटरनल फ्लो के कैसे भी बात करेंगे उसके बारे में, किसी भी फ्लो प्रॉब्लम में फोर्स कन्वेक्शन के लिए आप लोग जो नसेल्ट नंबर है वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो कॉलबर्न एनालॉजी देखते हैं, ओके कॉलबर्न एनालॉजी, ठीक है कॉलबर्न एनालॉजी देखते हैं। तो आपके पास स्टैंटन नंबर, प्रांडल नंबर और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस के टर्म में, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड नंबर क्या होता है बताऊंगा, अगर आप लोकल स्टैंडर्ड नंबर बनाने की किसी पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें तो लोकल स्टैंडर्ड नंबर लिखते हैं एसटी से प्रेजेंट करते हैं एसटीएक्स इनटू पीआरएस टू पावर 2/3 इज इक्वल टू सीएफएक्स बाय 2। सीएफएक्स क्या आपके पास लोकल स्किन ड्रैग कोफिशिएंट या लोकल ड्रैग कोफिशिएंट आपके पास है, ठीक है ओके। नाउ स्टैंडर्ड नंबर क्या है, स्टैंडर्ड नंबर इज नथिंग बट एनयूएक्स ओके बाय आरएक्स इनटू पीआर, ये होता है, ठीक है। सो लोकल नसेल्ट नंबर डिवाइड बाय लोकल एनोड नंबर इनटू प्रांडल नंबर, ये लिख दिए तो बन गया लोकल स्टैंटन नंबर।
अगर इनकी एवरेज वैल्यूज लिख दिए, ठीक है, यानी कि जैसे कि यहां मैं लिख दिया ST STL बार या STL ऐसा लिखा या सिंपली ST लिखा, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड नंबर या एवरेज स्टैंडर्ड नंबर क्या हो जाएगा, एवरेज नसेल्ट नंबर बाय द रेनॉल्ड नंबर बेस्ड ऑन लेंथ REL इनटू PR, ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो एनालॉजी है कॉलबर्ट एनालॉजी इज वेरी यूजफुल फॉर फोर्स कन्वेक्शन, ठीक है, फोर्स कन्वेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, ठीक है ना। जैसे कि प्लेट के लिए बात कर रहे हैं तो फॉर प्लेट हम लोग अभी देख रहे हैं इसको, तो NUX by REX into PR into PR is to power 2 by 3 is equal to CFX by 2, यहां से ये हो रहा है, ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा NUX divide by REX into PR is to power 1 by 3 is equal to CFX by 2, ये हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से आपको जो नसेल्ट नंबर है, लोकल नसेल्ट नंबर, उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और अगर एवरेज के लिए सॉल्व करोगे, यानी कि अगर इसको एवरेज कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक के लिए सॉल्व करोगे, तो एवरेज नसेल्ट नंबर की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि देखते हैं फॉर लैमिनार फ्लो, जैसे कि देखते हैं फॉर लैमिनार फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट, ओवर फ्लैट प्लेट अगर आप देखते हो, ठीक है, फॉर लैमिनार फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट अगर आप देखते हो बच्चों, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा लैमिनार फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट के लिए, है ना, ये मिलेगा आप लोगों को CFX जो होता है दैट इज 0.664 इनटू REX रेस्ट टू पावर 0.5, ये होता है आपके पास, ठीक है, ये होता है। और अगर आप एवरेज वैल्यू देखो, CFL देखो, है ना, तो ये होगा आपके पास 1.328 इनटू रूट ओवर, ऐसा लिख देते सीधा रूट ओवर RE, सीधा ये होता है आपके पास, ठीक है। तो इस वैल्यू को आप पुट करोगे तो आपको NUX मिलेगा, NUX आपको मिलेगा लैमिनार फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट के लिए 0.332 ओके इनटू REX टू पावर 0.5 इनटू PR टू पावर 1/3, ये मिलेगा आप लोगों को। दिस इज योर लोकल नसेल्ट नंबर, ठीक है। सेम वैसे ही आप अगर एवरेज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहां पर पुट कर दोगे तो एवरेज नसेल्ट नंबर मिल जाएगा आपको, एवरेज नसेल्ट नंबर मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा एवरेज नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NU बार या NUL ऐसा लिख सकते हो, इज इक्वल टू 0.664 इनटू REX टू पावर 0.5 इनटू PR टू पावर 1/3, ठीक है। यहां लोकल रेनॉल्ड नंबर आएगा REX और यहां पर पूरे प्लेट के लिए L लेंथ के लिए आएगा REL, तो इस तरह से आपको एवरेज नसेल्ट नंबर मिल जाएगा। सेम वैसे ही आप अगर यहां पर देखोगे फॉर टर्बुलेंट फ्लो, फॉर टर्बुलेंट फ्लो अगर आप देखते हो तो फॉर टर्बुलेंट फ्लो जो CFX की वैल्यू होती है दैट इज 0.0576 अपॉन REX रेस्ट टू पावर 0.2। अगर आप एवरेज की वैल्यू देखते हो, CFL देखते हो, तो ये मिलता है आपको 0.072 डिवाइड बाई REL रेस्ट टू पावर 0.2, ये होता है। इसको रख करके जब आप इसको यहां सॉल्व करोगे तो यहां से आपको NUX लोकल नसेल्ट नंबर मिलेगा 0.028 ओके इनटू REX टू पावर 0.8 इनटू PR टू पावर 1/3। अगर आप एवरेज देखोगे, NUL देखोगे, तो मिलेगा आपको 0.036 इनटू REL रेस्ट टू पावर 0.8 ओके इनटू PR टू पावर, यहां फिर से लिख लेते हैं, NUL is equal to 0.036 into REL रेस्ट टू पावर 0.8 into PR रेस्ट टू पावर 1/3। Okay, this will be your average Nusselt number for flow over a flat plate. अगर पूरे के पूरे प्लेट में कैसा हो रहा हो, टर्बुलेंट फ्लो रहा होगा, तो यहाँ पर जो XC होगा, XC जो होगा यहाँ पर ना, जिस लेंथ तक के फ्लो लैमिनार होता है, दैट विल बी वेरी स्मॉल। तो हम लोग सीधा प्लेट को क्या मान लेंगे, सब्जेक्टेड टू टर्बुलेंट फ्लो मान लेंगे, और यहाँ पर फिर ये फॉर्मूला हमारा वैलिड होगा, ठीक है। सो दीज आर दी कोरिलेशन, और ये वाला जो कॉर्बन एनालॉजी है ये आपको याद रहना चाहिए, इसके बेसिस पे आप लोग फ्लो ऑफ द फ्लैट प्लेट को एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। नाउ अगर आप लोग पाइप की बात करते हो, तो पाइप या किसी भी कॉन्ड्यूट के लिए बस आपको दो चीजों का ख्याल रखना है, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो होगा यहाँ पर, ये किसी भी पाइप या कॉन्ड्यूट के लिखते होते होता है 4 इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइड बाय वेटेड पेरीमीटर, पी पेरीमीटर ना होके वेटेड पेरीमीटर बोलना है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो यहां से अगर आप एक सिलेंड्रिकल पाइप की बात करोगे, तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हो अगर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का, तो पाइप के लिए LC इक्वल टू आपका डायरेक्टली डाया ऑफ पाइप के बराबर निकल करके आ जाता है, ठीक है।
डायरेक्टली पाइप के डायमीटर के बराबर निकल करके आ जाता है। ठीक है, नाउ यहां पर क्या होता है, देखो पाइप के केस में, पाइप के केस में जैसे कि यहां पर आप लोग देखोगे, ओके जैसे पाइप में आप देखोगे तो अगर पाइप में कोई फ्लूड एंटर कर रहा है एट अ वेलोसिटी लेट अस से, एट अ वेलोसिटी लेट अस से यू इनफाइनाइट और टी इसका टेम्परेचर है टी इनफाइनाइट, तो यहां पर आप लोग को थर्मल एंड हाइड्रोडायनेमिक बॉन्डलर दिखाई देंगे एट एंट्रेंस यहां पर। तो इस तरह से एक पॉइंट आएगा जिसपे थर्मल और हाइड्रोडायनेमिक दोनों बाउंड्री लेयर जो है वो कंप्लीटली कन्वर्ज हो जाएंगी और कंप्लीटली पाइप को फिल कर देंगी। इस तरह से बाउंड्री फॉर्म होगी इस तरह से, और एक पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज जाएंगे यानी कि मिल जाएंगे, एंड इसके बाद फर्दर देयर विल बी नो सच बाउंड्री लेयर, नाइदर थर्मल नॉर हाइड्रोडायनेमिक। तो इस तरह के फ्लूइड फ्लो को हम बोलते हैं फुल्ली डेवलप्ड फ्लो। फुल्ली डेवलप्ड फ्लो है आपके पास जहां पर जो थर्मल और हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर है वो फुल्ली कन्वर्ज हो चुकी है। ठीक है, जो डेल टी है एंड जो डेल एच है दे आर इक्वल टू द रेडियस ऑफ पाइप, इस तरह से बोल सकते हैं। तो इसके बाद आप लोग का जो आगे का फ्लो है दैट इज योर फुल्ली डेवलप्ड फ्लो। तो फुल्ली डेवलप्ड फ्लो के लिए ही हम लोग जनरली एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फुल्ली डेवलप्ड फ्लो के लिए जनरली एनालिसिस करते हैं। नाउ यहां पर आप देख पाओगे कि जैसे कि टेम्परेचर जो होगा वो अलग अलग होगा हमेशा, है ना, जो वॉल के पास जो टेम्परेचर होगा वो अलग होगा और जो एक्सिस के पास जो टेम्परेचर होगा वो अलग होगा। तो इन द सेक्शन, इन अ सेक्शन यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं है जबकि वैरायटी ऑफ टेम्परेचर है, तो उन सभी का एक एवरेज लेते हैं हम लोग एंड दैट इज नोन एज बल्क मीन टेम्परेचर और दी बल्क टेम्परेचर। ओके, यहाँ पर इस सेक्शन पे जो टेम्परेचर लेते हैं दैट इज बल्क टेम्परेचर। ओके, बल्क टेम्परेचर। नाउ व्हाट इज बल्क टेम्परेचर, आपको देखने को मिल रहा है इस सेक्शन पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सभी का अलग अलग टेम्परेचर है। नाउ अगर सारे पार्टिकल्स को अगर आप किसी एडियाबेटिक चेंबर में मिक्स कर दो, किसी एडियाबेटिक चेंबर में इस सेक्शन पे मौजूद जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको सबका अलग अलग टेम्परेचर होगा। जैसे कि सपोज ये पाइप बहुत गर्म है तो पाइप के सर्फेस के पास जो पार्टिकल्स है वो बहुत हॉट होंगे, एक्सिस के पास जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे होंगे। तो वहां पर सारे पार्टिकल्स को उठाओ और इस एडियाबेटिक चैम्बर में डाल दो, सो दैट देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी, राइट, क्योंकि एडियाबेटिक है तो हीट तो बाहर जाएगी नहीं। तो इस केस में जो आप लोगों को आफ्टर मिक्सिंग एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मिलेगा दैट इज नोन एज बल्क टेम्परेचर। ओके, दैट इज नोन एज बल्क टेम्परेचर। क्लियर बात है? तो बल्क टेम्परेचर हम लोग यहां पर यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर सेक्शन के टेम्परेचर को बताने के लिए। ठीक है, तो इनलेट पे जो बल्क टेम्परेचर है दैट इज टीआई और आउटलेट पे आप लोग को जो टेम्परेचर है दैट इज टीओ। तो बल्क मीन टेम्परेचर लिखते हैं यहां पर टीबीएम, दैट विल बी टीआई प्लस टीओ बाई टू। ठीक है, टीआई प्लस टीओ बाई टू। सिमिलरली वैसे ही प्लेट के केस में भी करते हैं हम लोग। प्लेट के केस में जितनी थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज होती है फ्लूड की बच्चों उसको निकालने के लिए हम लोग जो सरफेस का टेम्परेचर है टीएस और जो फ्लूड का टेम्परेचर है टी इनफाइनाइट इसका एवरेज लेते हैं, अर्थमेटिक एवरेज, टीएस प्लस टी इनफाइनाइट बाई टू। इसको बोलते हैं टीएफ, दैट इज योर मीन फिल्म टेम्परेचर। दिस इज योर मीन फिल्म टेम्परेचर, मीन फिल्म टेम्परेचर। ठीक है, एंड दिस इज योर बल्क मीन टेम्परेचर। ओके, बल्क मीन टेम्परेचर। क्लियर बात है? ओके, तो और इनपे हम लोग जो कैलकुलेशंस की बात आती है और ये जनरली कन्वेंशनल अप्रोच में ज्यादा यूज होता है, गेट वाले में इसका होता है सच कोई बिग नीड नहीं रहता। ठीक है, जब तक स्पेसिफिक इससे भी क्वेश्चन ना कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हीं टेम्परेचर्स पे जो थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यूज दी जाती है फ्रॉम द डेटा बुक्स। ठीक है, सो पाइप के केस में हम लोग हमेशा फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की बात करेंगे। हम लोग किसी सेक्शन पे जानते हैं कि वैरायटी ऑफ टेम्परेचर है, दैट्स व्हाई सारे पार्टिकल्स को पकड़ के एडियाबेटिक चैम्बर में मिक्स करेंगे तो एक कॉमन टेम्परेचर मिलेगा, इसको बोलेंगे बल्क टेम्परेचर। तो ये इनलेट पे बल्क टेम्परेचर या आउटलेट पे बल्क टेम्परेचर टीआई एंड टीओ, दोनों का अर्थमेटिक एवरेज ले दो, क्या मिल गया, बल्क मीन टेम्परेचर मिल गया। इस पे सारे के सारे जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं उनका आप थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज देखोगे फ्रॉम द डेटा बुक। सेम वैसा ही आप लोग प्लेट के लिए भी मीन फिल्म टेम्परेचर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, और यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ यूज होगा दैट विल बी 4 इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया बाय वेटेड पेरिमीटर। तो यहां पर अब जो पाइप का जैसे कि केस आ गया तो एलसी आपको डायमीटर मिल गया, तो नसेल्ट नंबर बेस्ड ऑन डायमीटर होगा, तो नसेल्ट नंबर बेस्ड ऑन डायमीटर होगा यहां पर। ठीक है, ये आपके पास बेस्ड ऑन डायमीटर होगा। सो फर्स्ट बात करते हैं यहां पर लेमिनार फ्लो की, है ना, लेमिनार फ्लो की बात करते हैं, फिर देखेंगे टर्बुलेंट फ्लो की। तो लेमिनार फ्लो इन पाइप जैसे आप बात करते हो,
लेमिनार फ्लोरीन पाइप, तो यहां पर जो रेनॉल्ड नंबर होगा वो भी किस पे बेस्ड होगा, डायमीटर पे बेस्ड होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू रो इनटू वी इनटू डी बाय म्यू। यहां जो वी है दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी ओके ऑफ फ्लूइड, ओके ये आपके पास मीन वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है एट इनलेट, ठीक है ये होता है। यहां से रेनॉल्ड नंबर निकालेंगे, अगर आरईडी आपका लेस देन 2000 है तो ये लेमिनार है, ठीक है तो ये लेमिनार है, ठीक है। आरई अगर 2000 ज्यादा होगा तो थ्योरेटिकली तो हम लोग न्यूमेरिकली हम लोग उसको मान लेंगे कि वो लेमिनार नहीं है, टर्बुलेंट ऐसा ले लेंगे, लेकिन इतना कम रेनॉल्ड नंबर पे हम लोग एग्जैक्टली टर्बुलेंट नहीं ले पाते हैं। 10,000 से जब एक्सीड करता है आरईडी तब हम लोग बोलते हैं कि पाइप में फ्लो जो है वो टर्बुलेंट है, ठीक है। तो लेमिनार फ्लो के लिए 2000 से लेस होना चाहिए आरईडी की वैल्यू, और अगर ऐसा है तो हम लोग फिर लेमिनार फ्लो मानेंगे पूरे पाइप में और उसके बेसिस पर नसेल्ट नंबर डिस्क्राइब करेंगे एनयूडी। एनयूडी क्या होगा भाई, एच डी बाई के, ये आपके पास होगा एच डी बाई के, ठीक है। फॉर फुल्ली डेवलप फ्लो आप देख सकते हो दिस विल बी कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्योंकि एच आप लोगों का अब यहां पर फॉर फुली डेवलप फ्लो चेंज नहीं होगा, फुली डेवलप फ्लो के लिए एच कॉन्स्टेंट रहेगा, एच क्या होगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा फॉर फुली डेवलप फ्लो, जस्ट रिमेंबर फॉर फुली डेवलप फ्लो। सो फॉर थर्मली एंड हाइड्रोडायनेमिकली डेवलप कंडीशन दिस इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो नसेल नंबर विल बी कॉन्स्टेंट फॉर लेमिनार फ्लो। अब यहां पर दो कंडीशन है, इसमें भी लेमिनार फ्लो में भी दो कंडीशन आपको पढ़नी होती है। एक में हम देखते हैं कि जो पाइप का वॉल है, ये देखो जो वॉल है इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टीएस, टीएस जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर है। सो फॉर कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर देखते हैं लेमिनार फ्लो में, फॉर कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर हम देखते हैं लेमिनार फ्लो में एनयूडी मिलता है आप लोग को 3.66, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। दूसरा आप देखते हो कांस्टेंट हीट फ्लक्स, कांस्टेंट हीट फ्लक्स के हीट फ्लक्स कांस्टेंट मिल रहा है फुल्ली डेवलप फ्लो कंडीशन में, ओके हीट फ्लक्स आप लोग को मिलता है कांस्टेंट। तो यहां पर आप लोगों को जो एनयूडी मिलता है दैट इज 4.36, दिस इज योर नसेल्ट नंबर बेस्ड ऑन डायमीटर फॉर अ फुल्ली डेवलप फ्लो, फॉर अ फुल्ली डेवलप फ्लो एनयूडी विल बी कांस्टेंट 4.36, ओके। नाउ अगर लैमिनार फ्लो नहीं है, टर्बुलेंट फ्लो ले लेते हैं, फॉर टर्बुलेंट फ्लो, फॉर टर्बुलेंट और ये भी फुल्ली डेवलप्ड है ना, टर्बुलेंट फुल्ली डेवलप्ड फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो अगर आपके पास है तो यहां पर नसेल्ट नंबर बेस्ड ऑन डायमीटर लिखते हैं हम लोग 0.032 इनटू आरई रेस टू पावर 0.8, आरई रेस टू पावर 0.8 इनटू पीआर रेस टू पावर एन लिखते हैं। दिस इज नोन एज डिटस बॉयलटर इक्वेशन, ओके डिटस बॉयलटर इक्वेशन, स्पेलिंग अगर कुछ 19-20 हो गया तो देख लेना, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग फॉर टर्बुलेंट फ्लो। सो दिस वाज अबाउट दी फोर्स कन्वेक्शन साइड, सारा मैंने फोर्स कन्वेक्शन आप लोगों को कंक्लूड किया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और जो फ्री कन्वेक्शन वाला पार्ट है उसको भी हम लोग देखेंगे, ओके। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।